अपने देश में लाखों में से किसी एक का खुद का बंगला है, हजारों में से किसी एक की खुद की कार है, 100 में से किसी एक के पास खुद का कंप्यूटर है, लेकिन हर 10 में से 2 के पास बंदूक या छुरी है। मतलब हमें यहाँ जीने से ज्यादा मरने की सहूलियत है। ऐसा मुझसे मेरे एक फ्रेंड ने कहा। उसने अपने पास कुंग फू सीखने आने वाले लड़के से कही एक बात मैं कभी नहीं भूल सकता, जंग में जितना मतलब दुश्मनों को मारना नहीं है। ये बात उसी की जुबानी सुने तो अच्छा होगा। उसका नाम है संजय साहू। मैं चलूं जिधर वो रास्ता है, कोई नहीं यहाँ हमसा, जब चाहूं तब हो जाए शहर में कोई जलसा। ये हर शनिवार रविवार को पीता है, सोमवार को आने वाले 4 दिन नहीं पी सकेगा ये सोचकर पीता है, मंगलवार को एक दिन कम होने की खुशी है, बुधवार को जितना भी पियो फिर भी शनिवार नहीं आने के गम में, और गुरुवार शुक्रवार को रोज पीने की मजबूरी से पीता है। सर सर सो ये सारा हफ्ता पीने में ही गुजारता है। अरे कल से स्टील का रख देना, नहीं टूटेगा। हाँ इसे पीने के साथ साथ एक और गंदी आदत भी है, पढ़ाई। अब तक 3 पीजी कर चुका है, फिलहाल 4th पीजी कर रहा है। आपकी सोच बिल्कुल सही है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे बस करो। हाय। तुम सो रहे थे? नहीं तो। इतनी टेंशन में तुम कैसे सो पाते हो? ए, सो कौन रहा था? सुनो, आंखें बंद करके ध्यान से तुम्हारे पिताजी को ही देख रहा था। आओ। आ रहा। डोर नहीं खुल रहा है। क्या हुआ? अरे आना। अरे डोर अंदर से लॉक हो गया। तोड़ दो, कोई बात नहीं। श्योर? कोई बात नहीं, ज्यादा मत बोलना। ठीक है, वरना बेवकूफ समझेंगे। बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तो घमंडी समझेंगे। ठीक है इंदु। हा? इतने दिन तुम लड़कियां करती थी, अब हम लड़के कर रहे हैं। वो क्या? मुंह दिखाई की रस्म। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अरे बाप रे, ये है क्या? hey, oh. hey. सर मैं इधर। सर क्या मैं बैठ सकता हूँ? ये सब अच्छे से पूछता है। बैठ सकता हूँ, नाश्ता कर सकता हूँ, लेकिन प्यार करने के लिए परमिशन नहीं पूछता। पूछूंगा तो खराब लगेगा ना सर। मतलब यही सर, क्या मैं आपकी लड़की को लाइन मार सकता हूँ, क्या उसको भगा कर ले जा सकता हूँ? कान से मार दूंगा अगर बकवास किया। यही मैंने कहा था, खराब लग रहा है ना सर। तेरे पास है क्या जो मैं अपनी बेटी तुझे दे दूँ? जमीन या जायदाद, इन टेढ़े मेढ़े पाल के रखे हुए बालों के अलावा? अगर आप कहें तो हेयर स्टाइल बदल लूंगा सर। तू हेयर स्टाइल के लाइफ स्टाइल ही बदल दे, तब भी मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करवाऊंगा। दैट्स ऑल एंड दैट्स फाइनल। ये तो नाइंसाफी है सर। क्यों दीवार बन रहे हैं सर? अरे मासूम बच्चे की जान ले लोगे क्या सर? बच्चों को किडनैप करने वाला दिखता है और खुद को बच्चा समझता है? ले देख ले। ये कौन है सर? मेरा होने वाला दामाद। सर मुझमें कौन सी कमी है? कद, कलर, पढ़ाई, ऊपर से पैसे, इन सब की कमी है। जीने के लिए पैसा चाहिए ये सही है, लेकिन सिर्फ पैसा ही चाहिए ये सोचना गलत है। You're right. घर और गाड़ियां भी चाहिए। मैं कैसे समझाऊं? तुझे महीने में कितना स्टाइपेंड मिलता है? 3,500 से लेकर 4,000 तक मिलता है। ये कोई बस है जो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए? 3,500 या 4, सही से बता। 3,500। What? 3,500। इसे कितना मिलता पता है? 1.5 लाख। एक साल का होगा। महीने का? सर ये नौकरी करता है या किसी को ब्लैकमेल करता है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है रे। ओ। 1 करोड़ दहेज दे रहा हूँ इसे। वो मुझे देंगे तो महीने का 3,500 ब्याज कमा लेता। और कोई फोटो दिखाने वाले हो क्या? No, sir, sir. वो लड़का बहुत सुंदर है सर, बहुत अच्छा। Really? 100% सर, बहुत अच्छा। Are you sure? पक्का सर, कोई डाउट ही नहीं है, फर्स्ट क्लास है। तो तय कर दूं? बिल्कुल भी सोचिए मत सर, कर लीजिए। डैडी ने क्या कहा? तो तुमने क्या कहा?
अब मैं क्या करूं? हाय। अबे यार धक्का क्यों हुआ? शैंपेन। थैंक यू। रो मत, किसी ने देख लिया तो सोचेगा कि लड़की के लिए रो रहा है। बिल्कुल। नमस्ते। हाउ आर यू सर? थैंक यू। यहाँ कैसे? दावत की खुशबू बाहर तक आ रही थी सर, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ मैं आ गया। ये कौन है डैड? इंदु एक लड़के से प्यार करती थी, कहा था ना, ये वही। अरे सब कुछ बता दिया सर। मुझे तुम पे शक है, कल तुझे 100 या 1000 की जरूरत पड़ी और तेरे पति को सब कुछ बताऊंगा कह के इसे ब्लैकमेल किया। तो मैं जरूरत पड़ी तो मांग लूंगा सर, लेकिन ब्लैकमेल क्यों करूंगा? सुनिए जी, राजपाल जी के बच्चे अब तक नहीं। हेलो, हाय। ओह आई एम सॉरी। व्हाई डोंट वी टेक अ स्नैप? हेलो, एक फोटो लेना। तुलसी हार लेके आना, लाती हूं आंटी। तुलसी हार मुझे दे दो। कांग्रेट्स, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स। ये यार, ओके, वी आर रेडी। आप बैठिए, मैं अभी आई। सर, to your left sir, yeah, thoda okay, little more, yeah, sure. हाँ। इस लव स्टोरी के फेल होने के 52 दिन बाद इसकी लाइफ में एक और लड़की की एंट्री हुई। लड़कियां कभी भी अकेली नहीं होती हैं। गर्मी में पसीना, बारिश में कीचड़, ठंडी में मच्छर की तरह लड़कियां और गुंडे हमेशा एक अनजान डोर से बंधे रहते हैं। क्या हुआ यार? सुपर फाइटर से लग रही हैं सब। सलीम होती है तो जिम में क्यों आती यार? फिल्म देखने जाती? अगले 5 मिनट पर जो भी बाहर आएगी, सलीम होगी तो मेरी, सुमो होगी तो तेरी, है? तो फिर यही कार में ही हो जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा गाना। ओके दोस्त, जल्दी बात करके आ जाओ। ओके, तब तक मैं वहां पर लिखता हूँ। ओके, हमारा काम होने के बाद तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका मर्डर करने के बाद भी हमारा रेप करने का मूड तो रहेगा ना। पकड़ो साले को, छोड़ना नहीं उसे। कलेम, ये क्या हो रहा है? हाँ, सब बर्बाद हो गया।
रहे छोटू। छोटू तू मेरे पास से कितने साल से सीख रहा है हा? कितने साल से सीख रहा पता? 5 साल से। 5 साल से है ना? क्या कहा था मैंने? एक बार तेरे हाथ से किसी को मार पड़े तो वो उठना नहीं चाहिए, यही कहा था ना मैंने? हाँ यही कहा था। यही कहा था ना मैंने कि उठना नहीं चाहिए? हाँ। तो फिर ये अंदर का खेल क्या खेल रहा है तू? हाँ ए लंबो इधर आ। अच्छा सांड ये बता, अब तक तूने इसे कैसे मारा? बता ना, कोई बात नहीं है, अच्छी कम्युनिकेशन है तुम सब में, मारना। सॉन्ग ही नहीं फाइट सीन भी रोमांटिक हो सकता है। तुम छोटू हमेशा एक बात याद रख, शाहरुख की फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की भीड़ भाड़ में हम पर डंडा पड़ता है ना, उसी तरह किसी को डंडा मारने का आज हमें मौका मिला, इसे जाया मत होने देना। बस पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कर, अपने हाथ में डंडा, सामने उसका सर, डंडा और सर, डंडा और सर, और फिर एक और फायदा जानता है, साले ने पेशाब किया, ये बात सिर्फ वो और मैं ही जानते हैं। तो ये नहीं जानता तब मुझे घर ले ब्रेव हार्ट, हिज माइंड, हिज माइंड। हाउ वाज इट? इट्स ग्रेट। कॉमर्स की लड़कियां अच्छी हैं, फिजिक्स के लड़के अच्छे हैं, मैथ्स के तो लेक्चरर्स अच्छे हैं, तो रह गए नो चांस। 32, 33, 34, 35। आधे घंटे में पेन घुमाते हुए इतनी दूर चली आई हो, मतलब और 3 घंटे में आराम से वो दीवार क्रॉस कर सकती हो। हा? वैसे वहाँ दीवार कहाँ है? जब 1 लाख तक गिनोगी तब वहाँ पर चाइना का ग्रेट वॉल नहीं दिखेगा जाने मन। कम ऑन कैरी ऑन, यू कैन डू इट। 37, 38, 39, 40, 41, 42। नाम क्या है? रिया। सरोज। मंगलसूत्र कहाँ? अपने पति के पास है? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मुझसे करोगी? जी। गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है? तुम डरना मत, तुमसे उनकी तरह मेहनत नहीं कराऊंगा, तुम दुबली पतली हो ना, वेरी इजी। आके मेरे गाल पर एक पप्पी देकर सीधे राइट साइड में अपने क्लासरूम में चली जाना, सब ठीक हो जाएगा। पप्पी? नहीं। ओके, और भी एक आसान तरीका है। हाँ। बताऊं? मैं खुद ही आकर तुम्हारी होटल की पप्पी लेता हूँ। हाँ? फिर सीधे जाकर अपने क्लासरूम में बैठ जाना, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आओगी तुम। प्रॉब्लम लगता है बंदा काफी रोमांटिक है। कहाँ पर है? लड़कियों इन लड़कों में से कौन है वो? सुन बेटा, तेरा जो भी धंधा है वो अपने तक ही रखना, ये हमारा मामला है। हंसी खुशी रैगिंग करेंगे या सीरियसली रेप करेंगे, तेरे को क्या लेना देना है? किसी ने लड़की को छेड़ा और मुझे पंचायत के लिए बुलाया, ये फिजूल का काम है। उसके बीच ये कौन है फिजूल का? उस रैगिंग करने वाले को बुलाओ। वो तो यही है। यही है? ये जब होश में आया तो मुझे फिर से बुलाना।
मैं फिर से मारूंगा। सुनो डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो, मोस्ट रोमांटिक लगने वाली तुम्हारी दोनों आंखें उठाकर अपने प्यारे प्यारे पैरों से तोड़कर सीधे जाकर राइट घूम जाओगी ना, तो तुम्हारा क्लासरूम आ जाएगा। फ्री टाइम में पढ़ोगी तो तुम्हें डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन जब भी ये तुम्हें देखेगा तो इसके सर में दर्द होगा। बिलीव मी, इट्स फन टू बी हियर। अब सांस अंदर खींचो, वहीं रोको, जब मैं कहूंगा तभी छोड़ना। Excuse me? Yes? Hi. योगा सीखना है तो मेरे पास आइए। अच्छे से सीखना है तो उसके पास जाइए। अगर संजू से मिलना है तो अंदर जाइए। Thanks. तेरी तो साले, क्या हुआ, गिर कैसे गया? सर सर, ऊपर गया क्या? सांस रोकने के लिए बोला था, हमेशा के लिए रोक लिया। यू स्टे हियर। ओके संजय, संजू, कौन है? हाय, आई एम ज्योत्सना, जो। हैंगओवर होने से ना सुई की चुभन भी हथौड़े की मार से ज्यादा लगती है। ये रात को ना फ्लावर्स इनका क्या करूं? रात को पीने के बजाय दिन में पी लेता तो हैंगओवर नहीं होता है। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। ये घर मेरा नहीं है, इसके अंकल का है। फर्नीचर में तुम्हारा टेस्ट दिख रहा है। टेस्ट नहीं, कॉस्ट दिखाई देगा, क्योंकि ये सब मेरा नहीं है, उसका है। बात क्या है बताओ, जल्दी बोलो। आई लव यू। क्या? आई लव यू। आई लव यू टू। तुम यही रोका, इन सभी लोगों को जरा रफा दफा करके आता हूँ, फिर करते हैं ना। क्या करेंगे? घुमा फिरा के क्यों, डायरेक्टली वही करते हैं। मैं उस इरादे से आई लव यू नहीं बोली। तो फिर कौन से इरादे से बोली मेरी माँ? हाँ मैं बताऊँ, एक बार आई लव यू कहा तो मी टू कहना पड़ेगा। मी टू बोलने के बाद छोड़ूगी क्या? 3-4 साल बाद शादी करनी पड़ेगी। शादी के बाद छोड़ूगी क्या? फिल्में, पिकनिक, कपड़े, जेवर, नहीं तो जब देखो रोना धोना। कभी कंट्रोल छोड़कर छूने की कोशिश की तो डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी इशू, महिलाओं का हक, राखी का इंसाफ, सब मिलकर खिड़की पर कुत्ते की तरह बांध दोगी, वो भी रस्सी से। सॉरी, ये सब बर्दाश्त करने के लिए आई एम नॉट अ टॉमी, आई एम अ टाइगर। आई एम अ टाइगर। मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? 200% मुझे पसंद नहीं आई। एक तो रीजन बताओ। 3 बताऊंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? पहला रीजन है तुम्हारी पोनीटेल। दूसरा तुम्हारी हाई हील्स। लास्ट एंड फाइनल तीसरा तुम्हारा ये एटीट्यूड, मुझे नहीं जमेगा, मुझे पसंद भी नहीं है। इतना ही ना? इतना ही नहीं, और भी है। अब चलो यहां से पतली गली पकड़ो, लेकिन ज्यादा आवाज मत करना, मुझे सोना है। जो तंग कर दिया। तुम यहां क्या कर रही हो? वो तुम्हारी फ्रेंड है। तुमने बाल क्यों खुले रखे हैं और ये हाथ में सैंडल लेकर क्यों खड़ी हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। उस पर अच्छा नहीं लग रहे थे, तुम पर अच्छे लग रहे हैं। जरा मेरे साथ चलोगे? अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है? सीरियस है। सीरियस है? हाँ चलो। एक आसन ट्राई किया था, अब उसे कैसे खोलूं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कैसे करवाया रे? वो ऐसे ही हो गया, पूरा का पूरा पुर्जा घूम गया यार। एक बार उसका सर घुमा देंगे तो पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। ब्रिलियंट आइडिया। तुम दोनों मिलकर उसे मार दो क्या? अरे छोड़ ना, मैंने क्या किया? तुम्हारा बाप अमीर है ना? हाँ। अमीर तो हो गई, तुम्हारी जैसी को डिग्री दिला रहा तो मिनिमम करोड़पति तो हो गई। आत्मपत्नी पितामहीं आमपिष्टपिण्डं मम
आत्मपत्ने प्रभिगामहे आम अपिष्ट पिंडं नममा पिंडस्यो परियेत तिलोदकमुपतिष्ठतो तिलोदकमुपतिष्ठतो तिलोदकमुपतिष्ठतो। कोका पेट का साइड के सेटलमेंट के लिए आए हैं। नमस्ते साहब। इन दोनों ने कोका पेट में 100 एकड़ जमीन खरीदी है। सामने वाले ने भी रजिस्ट्री नहीं करवाई, 5 करोड़ एडवांस भी दे चुका है ऐसा ये कह रहे हैं। और इस बीच एक लाला आ गया, कोई करीम लाला, मुंबई से आया है। इनके ऑफर से 50 करोड़ ऊपर दे दिया। उसने बोर्ड भी लगा दिया ठाकुर साहब। और भी बहुत कुछ बता देते ठाकुर साहब। वो लाला बड़ा खतरनाक है, मटन बिरयानी खाता है। ये बेचारे तो बड़े मासूम हैं, सिर्फ दाल चावल ही खाते हैं। लाला तो यहाँ पर बार बनाने वाला है और ये बेचारे तो मंदिर बनाना चाहते हैं। ये सब मैं नहीं, ये लोग बोल रहे हैं ठाकुर साहब। मुझ जैसे पागल के पास धोती लपेट कर पंचायत करवानी आ गए। मुझे देख के हंसी आ रही। मुझे देखकर हंसी आ रही है। क्या क्या आना चाहिए? महीने का 10,000 पगार लेकर ऐसे खड़े रहेंगे तो कोई ना कोई आकर मार कर जाएगा। यहां से लेकर यहां तक सब जगह जो फैलता है, क्या है वो? डर। हाँ डर। हाँ वो आना चाहिए, वरना खून बह जाएगा इस तरह। बचाना है तो अस्पताल लेकर जा। ए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, निकलो बाहर। 25 कर देंगे साहब। मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन ये सौदा मंजूर नहीं। देगा तो बात करूं, 40 देगा तो करूंगा बोल। जाके दूध पी लेना बच्चे। आप जो देख रहे हैं वो सच है, ये जेल ही है। ये लोग गैर कानूनी पंचायत यहीं से चलाते हैं। ये कैसे मुमकिन है यही ना? हर रोज पेपर पढ़िए, नहीं तो न्यूज देखिए, आपका शक दूर हो जाएगा। टेंशन ले रही है प्रिया, उसने तो जो को मना कर दिया ना। हाँ ऑफ कोर्स, उसने ना कहा एंड आई एम आल्सो हैप्पी। तो परेशानी क्या है? जो तो मुझसे भी ज्यादा सेक्सी है, अगर उसे ना कहा तो मुझे कंसिडर भी करेगा क्या? छे, मुझे ही पहले कहना चाहिए था कि ही इज माइन। हमेशा 10 सेकंड्स लेट होती हूँ। क्या कहा आपने? ही इज माइन। उसके बाद लेट, वही तो। कितना? 10 सेकंड। अरे एग्जैक्टली मेरी भी सेम टाइमिंग है बहन। मेरा नाम बंक सोनू है। पिछली बार क्लास बंक किया सोचकर क्लासरूम से बाहर निकलने के 10 सेकंड पहले ही सिगरेट जला ली। फिर क्या हुआ? होना क्या है, बंक निकल गया, सोनू रह गया। हा? तुम मनी ऑर्डर की तरह 10 सेकंड लेट हो, मैं टेलीग्राम की तरह 10 सेकंड फास्ट हूँ। हम दोनों मिल गए तो कुरियर की तरह करेक्ट टाइम हो जाएंगे। आखिर ये चीज क्या है? बातों में मैं थोड़ा आगे हूँ, समझने में थोड़ा पीछे हूँ, कुल मिला के मेरी जिंदगी थोड़ी आगे पीछे। What happened, doctor? Sit down. Thank you. तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद ट्यूमर है? नहीं, कैंसर है। अरे नहीं भाई। तो फिर क्या हो गया डॉक्टर? मलेरिया फलेरिया बिगड़ कर डेंगू हो गया, टीबी थायराइड मिक्स होकर टाइफाइड हो गया, बीपी शुगर बढ़कर हार्ट अटैक होने वाला, फटे हुए कॉन्डोम की वजह से एड्स हो गया है। टेल मी डॉक्टर, फॉर गॉड्स सेक टेल मी। इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है तुम में जल्दबाजी की। जल्दबाजी? आमतौर पर अगर मैं किसी का ट्रीटमेंट करता हूँ तो 25,000 लेता हूँ, ये सब जानते हैं। लेकिन इतनी मेहनत से अगर मैं किसी का ट्रीटमेंट करता तो 50,000 लेता हूँ, ये कोई नहीं जानता। देखो मिस्टर, मेरा नाम सोनू। देखो सोनू, सामने वाले के पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद बोलो, ठीक है? बताए हुए टाइम पर ना आने वालों को गैर जिम्मेदार बोलते हैं और वक्त से पहले आने वालों को बेकार बोलते हैं। अरे गुडले, क्या कोई डाउट है? कम ऑन, कम आउट। गुडले का मतलब क्या? बताई हुई बातों से जरूरी बात छोड़कर ऐसे बेकार सवाल पूछने वाले को गुडले कहते हैं। गुडले मुखोल। आखिर में उन्होंने क्या कहा? कोई भी काम करने से पहले 10 तक गिनती करने के लिए कहा। उससे क्या होगा, 10 तक गिनने में 10 सेकंड्स लग जाएंगे ना। हाँ, और फिर हर काम करेक्ट टाइम पर होगा। इसके लिए 50,000 ले लिए। तुम्हारा उस डॉक्टर के पास जाना सही रहेगा प्रिया। ऐसे कैसे सही है?
मैं फास्ट हूँ इसलिए काम से पहले 10 गिनने के लिए बोला। बहन लेट है इसलिए काम के बाद 10 गिनने के लिए बोलेगा। फीस के 25,000 रुपए गिनने पड़ेंगे, वो सिरदर्द अलग। तो फिर क्या करें? सिंपल है बहना, तुम मुझे 10,000 दे दो तो मैं उसको फोन लगाऊंगा, वो मुझे एक आइडिया बताएगा, वो आइडिया मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारी फीस के 15,000 बच जाएंगे और मेरे लॉस के 10,000 कवर हो जाएंगे। अरे बाप रे, यहाँ तो 1,000 भी 10,000 की तरह लग रहा है, बाद में ले लूंगा। एक्सक्यूज मी सर, आपका फेवरेट पेशेंट। हेलो सर, मैं हूँ सोनू। बोलो। बात ये है, मेरी फ्रेंड एक लड़की है जो लॉ प्रॉब्लम में फंस गई है सर। आगे देखो जी। हाँ, लड़के को आगे से देखने के बाद फोन करता हूँ। इसकी बीमारी कम नहीं हुई है। वो लड़का कहाँ है? तेरे की लड़कियां किससे प्यार करती है, क्यों प्यार करती है, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, आप सोचकर क्या फायदा। hey, प्रिया। हाय। सुनो, इस बार तुम्हारी तरह नहीं, मेरी तरह 10 सेकंड पहले चली जाओ बहना, मेरी बात मानो, जाओ पड़ जाएगा। हाय। हाय। अभी बस तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। क्या पूछ रहे थे? यही, तुम्हारी फ्रेंड जो को क्यों रिजेक्ट किया पूछ रहा था। क्यों? चलो अपना हाथ दो। सूरज का चक्कर लगाती है पृथ्वी, पृथ्वी का चक्कर चांद, और चांद का चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं। ये तो है साइंस। लड़कियों को चक्कर जब लड़के लगाते हैं तो वो है रोमांस, लेकिन अगर लड़कियां लड़कों के चक्कर लगाएं तो वो है नॉनसेंस। वैसे लड़कियों को जू बीच या बैंडस्टैंड पर नहीं होना चाहिए जहां कोई भी ऐरा करे चक्कर मारे, एवरेस्ट पर होना चाहिए। प्रिया एक बात याद रखना, शुक्रवार को हाय बोलकर शनिवार को पास आते ही रविवार को ऐश करके सोमवार को छोड़ देते कमीने साले, इसलिए तुम्हें हमेशा होशियार रहना होगा। होशियार हो गई ना। That's very good. Look, darling, इस सब्जेक्ट पर मेरे पास थीसिस है, कभी फुर्सत में आ जाना शाम को तो सिखा दूंगा। इसका बटुआ मारने के बाद ये रेस्टोरेंट का बिल कैसे भरता है ये सनसनी खबर जानने के लिए देखते रहिए। वो तो मेरा बटुआ है। ए, संजय, संजय बिल देना है यार। रायलसीमा में हुए ट्रिपल मर्डर केस के मुलजिम ठाकुर दामोदर सिंह ने बेल पिटीशन दर्ज किया है योर ऑनर। बेल पिटीशन इज डिसमिस्ड। दामोदर सिंह, आपके विरोधियों का कहना है कि रायलसीमा के अपराधियों में सबसे खतरनाक आप है, अदालत भी यही मान रही है, आप क्या कहेंगे? ज़ूम करना। अगर मैं इतना खतरनाक अपराधी होता तो तुम इतनी हिम्मत से ये सवाल पूछते और जिंदा घर जा पाते? बेल नहीं मिला? नहीं, वो एडवोकेट बेकार है, मार देते हैं साले को। ट्रांसफर करा दो काफी है। ट्रांसफर के लिए हर अरे गहरे के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, मर्डर के लिए सिर्फ हाथ में तलवार काफी है, एक बार सोच लीजिए। ठीक है सर, चलें। बीच में एक छोटा सा काम है, निपटा करा। ये क्या मंगल सिंह? मैं हूं ना यार, ले आऊंगा। तू टेंशन मत ले, करीम भाई से बात करूंगा। करीम भाई, ये हमारे ठाकुर साहब हैं। बंद करो रे। ये हमारे जिले के। तुझे क्या बोलना है वो सुनने के लिए नहीं रोका उसे, मुझे क्या बोलना है वो सुनाने के लिए रोका। ठाकुर साहब, हमने जो सुना बिल्कुल सही है, ये वाकई मटन बिरयानी वाला है, लगता है इसे दाल चावल में इंटरेस्ट नहीं है। ये जमीन मैंने एकदम सही दाम देकर खरीदा, तू अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तू अगर पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करेगा तो तुझे पता चलेगा अंडरवर्ल्ड क्या होता है, तब अंजाम बहुत बुरा होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा ठाकुर साहब, हम इसे मनवाएंगे प्यार से। मुझे नहीं लगता कि ये प्यार की भाषा समझेगा। क्या करें, गीदड़ की जब मौत आती है तो हमारे पास चला आता है।
देखिए हमने उसके सामने मुंह खोलकर कोई बात भी नहीं की, लेकिन उससे पहले ही अंडरवर्ल्ड का नाम ले रहा है। यह हमारी कोई बात नहीं सुनेगा और हमें डरा धमका कर भगाना चाहता है। मुझे अलग से थोड़ी बात करनी है। बात कर लीजिए, आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। शुरू करो। चलो शुरू करो। ठाकुर साहब आपने कोई बात नहीं की? ये बातों का भूत नहीं है। हाँ वो आया और गया भी। तेरी बात सुनने के लिए नहीं, मेरी बात तुझे सुनाने के लिए। तेरे रोकने से पानी रुक गया था, इनके रोकने से खून रुक गया। अगर यहां धंधा करना है तो खरीदने और बेचने के अलावा डरना भी सीखना चाहिए। करीम भाई, डर को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद समझ जाता है। वो खून का धब्बा और इसका नाम मिटाकर तुम लोग अपना नाम लिख लो। जी ठाकुर साहब। सुनो मंगल। ठाकुर साहब, कभी मौका मिले तो इससे कहना कि ये हिंदी सीरियल में काम करे, क्योंकि ये लाला रोता बहुत अच्छा है। हाय हाय। आता हूँ आता हूँ। डोर कहाँ गया? यानी हमारी शान भी बनी रहे और वो पट भी जाए, यही ना? ये तो वही मिसाल हो गई कि साइकिल भी सीखनी है और चोट भी नहीं लगनी चाहिए। हम माथा बच्ची क्यों करें? उसको फीस दी है ना, उसी को फोन करते। मेरी बेटी है डॉक्टर साहब, इन दिनों काफी बदली हुई लगती है, चेकअप के लिए लाया हूँ। ऐसा ही है साहब, थोड़ा अजीब सा पेश आती है। ये थोड़ा अजीब सा पेश आना नहीं है सुबोध जी, पागलपन है ये। इसके लिए क्या करना होगा? हेलो गुरुजी, मैं हूँ सोनू। क्या है सर? जैसा आपने कहा था लड़के को देखा सर, बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा था? चुप रहिए सर, ऐसे मामले में मजाक नहीं। वैसे लड़की उस पे बहुत मरती है सर। किसकी लड़की? इसके बाप का नाम तो नहीं जानता। ए, क्यों फोन करता तू मुझे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बोलिए सर बोलिए। आप जैसे बड़े बोलते हैं तो हम जैसे छोटे सुनते हैं। वैसे क्या करना होगा सर? क्या करना होगा यही पूछ रहा था। बताइए ना क्या करूं? लगातार मिलते रहेंगे तो अच्छा होगा। मिलते रहना है, इतना क्लू काफी है सर। 10 दिन के अंदर शादी करवा दूंगा। ए, 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 क्या बोल रहा है तू?
सुनकर फोन पे बात करना सीखेगा ये। इनसे कहा हुआ जवाब क्यों खुद के लिए लेता है? शादी करेगा, शादी। शादी करवाने से फायदा होगा ना डॉक्टर साहब? होगा, क्यों नहीं होगा। हफ्ते में दो बार इसे आप लेकर आइए, दो बार आपका दामाद लेकर आएगा। तुम्हें लगातार उससे मिलते रहना होगा बस। लेकिन मिलने की वजह क्या बताऊंगी? वजह तो मामूली लोग ढूंढा करते हैं, लेकिन तुम जैसी महान प्रेमिकाएं तो वजह क्रिएट करती हैं। कल उसने क्या कहा था? शुक्रवार को हाय बोलकर शनिवार। लुक डार्लिंग, इस सब्जेक्ट पर मेरे पास थीसिस है, कभी फुर्सत में आ जाना शाम को तो सिखा दूंगा। बस इतना काफी है, हमारा काम हो जाएगा। सो आज शाम को तुम मुझसे मिल रही हो, बस तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं हूँ ना। चलो चालू हो जाओ, अगर कोई जाओगे तो मुझे। सोनू, सोनू भैया, ये डॉग्स मैन है, मुझे पता है क्यों नहीं? मेरे बोलने से पहले 10 सेकंड लेट। कुत्तों ने जोर से काटा क्या? लगता है सारे कुत्ते कॉलगेट इस्तेमाल करते हैं, दांत बहुत स्ट्रांग है। स्पाइडरमैन, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने तो कहा था कि इवनिंग में आऊंगी तो बताएंगे कि लड़कियों को कैसे बोल रहना चाहिए। हाँ, मैंने तो आमतौर पर कहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। सुनो प्रिया, आजकल लड़कों के पीछे लड़कियाँ घूम रही हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं होता था। इससे पहले लड़कियाँ हमको नजर उठाकर देखती तक नहीं थी। ये सब क्यों? साक्षात श्री राम जी ऑल द वे लंका तक ब्रिज बनाकर युद्ध करने चले गए, तब भी सीता मैया जो अशोक वाटिका में लेटती थी, क्या उन्होंने ख्यालों में भी अपनी आँख उठाकर श्री राम का चेहरा देखा था? नहीं ना। अब हाल ही में क्या हुआ था? पारो के लिए देवदास ने पूरा खंबा भर भर के पिया, लेकिन क्या पारो ने देवदास के लिए एक भी पैक पिया? सो इससे हमें क्या समझ में आता है? तुम्हारा पटाना नाजायज है, हमारा पटाना जायज। लेकिन कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोच लो कि यहाँ से कोई घोचो गुजर रहा है, उसे आने दो, देखो मत, जाता रहेगा, जाने दो, देखो मत, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऑलमोस्ट दरवाजा पार करने के टाइम पर एक तीरे नजर छोड़ो। डायरेक्ट नहीं तो आई मॉल के जरिए। आई मॉल मतलब? इसका मतलब तुम इंग्लिश मीडियम वालियों को कैसे समझाऊं? टेढ़ी नजर से। टेढ़ी नजर से इसी टाइम पर वो घूमकर एज यूजुअल यहाँ देखेगा, तब तुम हंसना। ऐसे बत्ती से दिखाकर नहीं, आँखों से। आँखों से कैसे? अब समझ लो, हंसी यहाँ पर है, फिर धीरे से ऊपर लाओ, इतने कम कम, तब आँखों में चमक आ जाएगी, उस चमक की वजह से उस पर चमत्कार हो जाएगा। What a bright girl, what a bright girl. अब थ्योरी तो हो चुका है, प्रैक्टिकल के लिए एक फर्स्ट क्लास घोंचू चाहिए, चलो उसे ढूंढते हैं। वो देखो, वो आ रहा है। ये लड़का बॉक्स लेकर आ रहा है, उसे तब तक मत देखना जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है? जाने दो, मत देखना। ओके, अब देखो और हंस दो आंखों से। अन्ना एक Priya, you are wonderful, Priya. You are wonderful. Yes. मैं उसे पीछे से देख रही थी, वो कैसे जानता था? हम प्यार से किसी को पीछे से भी देखें तो वो नजर पीठ पर चुपती है। I can't believe this. बालिके, हम अपनी सारी शक्ति तुम्हें देते हैं, निश्चित उपयोग करो। Thank you, स्वामी जी। अब हम जरा शॉपिंग करके आते हैं, तब तक तुम मजे। मैं भी चलूं? कच्चे का ट्रायल लेने जा रहा हूँ, चलोगी क्या? नहीं, सॉरी। इसलिए यही रुको। ये पक्का विमेंस हॉस्टल ही है ना? तो फिर ये सब क्या हो रहा है? कंपाउंड के अंदर बॉयज अलाउड नहीं है, वार्डन चिल्लाती है। ओहो, बाहर चाहे तो घर भी बसा सकते हैं, है ना? अच्छा। ए प्रिया, इधर आओ। यहाँ के हालात काफी डेंजरस हैं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। क्यों, जो कह रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है ना? तो
कुछ कहा? बोलो। सपनों में आ रहा है। सपनों में देख के खुश मत हो, बाहों में आने का जुगाड़ करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या बात है? मेरे दोनों साले पागल हैं। इसमें खास बात क्या है? बड़ा वाला हमेशा हर किसी को मारता रहता है। तुम्हारे जैसा ही। दूसरा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, वो क्यों? हेलो सर, मैं हूँ सोनू। उस दिन हमने दो प्यार करने वालों को मिलाया था ना। हे भगवान, आगे क्या करना होगा सर? अपने दोनों सालों का आखिर क्या करूं? एक मिनट, उन दोनों को एक साथ रहने दो। क्या कमाल का आइडिया है सर। ये नहीं सुधरेगा। मेरे सालों का पागलपन कैसे मिटेगा? यू आर नॉट टेलिंग एट ऑल। बड़ा छोटे को मारेगा, छोटा गोली खाकर सो जाएगा, मैं खुशी खुशी रहूंगा। डॉक्टर ने तुम दोनों को एक साथ रहने के लिए बोला है। उसके ऊपर वाला घर खाली है, पर सडनली कैसे जा सकती हूँ? कार से। हाँ? कल उसने क्या कहा था? जितना जल्दी हो सके यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। इसीलिए जाओगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऊपर की नई किराएदार। तुम ही हो क्या? तो तुम्हारा हॉस्टल? आप ही ने कहा था ना वहां मत रहना। चाबी। थैंक्स। वेरी गुड। सामान पहुंचाएंगे, तुम जाओ। थैंक यू। जाओ, खुशी खुशी जाओ, पहुंच जाएगा। वो लेकर जाती ना, तुम क्यों ले जाओगे? मैंने कहा था पहुंच जाएगा। हाँ? लेकर आऊंगा नहीं कहा था? हाँ? चल जा, तू लेकर जा जल्दी। घंटों में मुझे उसकी पूरी कुंडली चाहिए।
बोल देंगे भी नहीं। पूरे दो दिन से मेहनत कर रहे हैं ठाकुर साहब, बैरल निशाने पर है, सिर्फ ट्रिगर दबाने की देरी है। उसके माथे पर 4 मिलीमीटर की गोलाई में पतली सी गोली के घुसते ही पल भर में वो मर जाएगा, उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं होगा। बेहोश करके ऑपरेशन करने की तरह बिना दर्द के जान से मारने के लिए कि हम डॉक्टर हैं। मरते हुए वो चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, जिंदगी की भीख मांगनी चाहिए। इतना भी तड़पाए बिना मारने में मजा क्या है बता? उसे रुकने के लिए कहो। क्या? ये सवाल मुझसे नहीं, ठाकुर साहब से पूछना। दम है? मैंने रेड डाला है। ठीक है खेलना। खेलता हूँ ना। हेलो, हाय, क्या बात है? इस टाइम पर फोन किया? याद आ रही है? अच्छा, सच में? अरे जाओ जाओ, उल्लू किसी और को बनाओ। नाटक कर रही हो, अच्छी तरह पता है मुझे। तुम्हें मेरी याद कोई लवर है इसलिए इतने प्यार से बात कर रहा है। अच्छा, तेरी गर्लफ्रेंड का फोन है बे? मेरी गर्लफ्रेंड है। ए, फोन दे। बात तो करने दे। फोन। हेलो, तुझसे कितनी बार कहा है कि इस टाइम फोन मत किया कर, फोन रख। अरे जो बात कर रहा है वो मामूली आदमी नहीं है। संजू, क्या है? मेरी कार रिपेयर में है। हाँ तो? शाम को मेरी फ्रेंड की रिसेप्शन है। हाँ तो मैं क्या करूँ? ठीक है अभी रखता हूँ। पार्लर जाना है तो जाओ ना। मुझे ले जाओगे? ये लेकर जाएगा। ए मामू दीवाने, मैडम को ब्यूटी पार्लर ले जाके जी साहब अच्छे से सजा के जी रिसेप्शन में खिला कर घर वापस ले आना। ऐसा चिंदी काम करने के लिए यहाँ पर कोई खाली नहीं बैठा है। नहीं लेकर जाएगा तो पता ना तेरा क्या होगा। हाँ तो क्या होगा? वाह, कांग्रेट प्रिया, लड़के को अच्छा कंट्रोल में कर रखा है। यही अच्छा मौका है, हल्का सा अगर एक दो टचिंग दे दोगी तो कुत्ते के पिल्ले की तरह तुम्हारा पल्लू पकड़ कर घूमेगा। बहनों इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। हेलो सर। हेलो। तुम हो? हाँ सर। कैसी है तबीयत? बहुत अच्छी है सर। वो कौन है? फोन पर आपको बताया था ना, ये वही है। एकदम हॉट, मतलब अच्छी बच्ची है। डेकोरेशन तो ठीक है पर ये खाना एकदम बकवास। ए हाय जो। हाँ जो, हाय, व्हाट आर यू डूइंग हियर? हाय। तुम? इसकी कार खराब हो गई थी इसलिए मैं लेकर आ गया। वही कार ना? हाँ वही है। संजू नो, दैट्स नॉट माय कार। जो सुनो, एक्चुअली वो संजू से रिपेयर का बहाना करकर पार्लर जाकर मेकओवर कर आई है। मैं बाहर जाती हूँ कहते ही बिना मांगे कार दे दी, तभी मुझे डाउट हुआ, इसलिए मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ पर आई। जो, why are you doing this? Hey Narai, I told you that he's mine. But तुमने जब प्रपोज किया तब इसने इनकार किया ना? इसने इनकार किया लेकिन मैं तो चाहती हूँ ना। मैं क्या चाहता हूँ, ये किसी को जानना नहीं क्या? तुम क्या चाहते हो? इसे बड़ी ब्यूटी समझते हो? देखो तो, मेकअप के बिना इसे हम नहीं देख सकते और चश्मे के बिना ये हमें नहीं देख सकती। शेम ऑन यू एंड I pity you. चश्मा लगाती? संजू प्लीज। तुम्हारी शक्ल पर चश्मा भी है, पहले ही बता सकती थी ना कि चश्मा भी लगाती हो। संजू, मुंह खोलते तो झूठ बोलती हो। संजू संजू संजू, ऊपर से पुलिस की तरह सवाल करती हो जैसे कि मैं कोई चोर हो गया। अब क्या मेरी जान लोगी? I'm sorry. I'm so sorry. बस बहुत really sorry. सॉरी नहीं, अब बस बहुत हुआ, जो भी किया बहुत किया। ओके संजू, संजू प्लीज। बेचारी रो रही है सर। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, चोट लगी लड़के को और लड़की रो रही है। सर कोई तो आइडिया बताइए सर, वरना लड़की कार से और लड़का बाइक से जाएगा। प्लीज कुछ बताइए सर। अरे पहले इसकी हवा निकाल दे। व्हाट एन आइडिया सर जी, एक जिंदगी संवार दी सर। अरे, 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 ये कभी नहीं सुधरेगा। संजू
सच सच मैंने कुछ नहीं किया, कैसे हुआ मैं नहीं जानती। ऊपर से मेरा लेंस गिर गया है, चश्मा भी नहीं मिल रहा, बारिश भी हो रही है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मुझे ठंड भी लग रही है। अरे फिर से रो रही है तू? थैंक यू। क्या? थैंक यू। ये तो बराबर है। थैंक यू। ए इधर आ, थोड़ा और नजदीक आना। सुनो प्रिया, अपनी खूबसूरती खुद हमें नहीं बल्कि सामने वाले को दिखनी चाहिए। समझ में आई बात? हाय संजय, एक एक दोगे क्या? वेरी गुड बॉय, सब बात मानता है। खत्म हो गई। ये हुई ना बात। बुजुर्ग ने कहा है शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीने से कलेजा जल जाता है। मेरा कलेजा नहीं जलेगा, फायर प्रूफ है। ए, कहाँ जा रहा है? ऊपर। अभी क्यों? आइस खत्म होगी, लेने जा रहा हूँ। हाँ? प्रिया, ये सब तो नहीं किया ना? हे, सैड सॉन्ग सुन रही हो? तो टिश्यू भी होगा। आइस मिलेगी क्या? हाँ, बैठिए। क्या बात है, बड़ी इज्जत दे रही हो। बैठो। ये गाना मेरा फेवरेट है, पता है? पता है। वाह, क्या एक्सप्रेशन है ना? क्या कहां? चश्मा लगाओगी तब दिखेगा ना। किसने कहा चश्मा निकालने के लिए? हाँ, चश्मे के बिना भी तुम खूबसूरत नहीं हो। सॉरी प्रिया, मजाक करा था। और चाहिए? है क्या? हाँ, 1 मिनट। प्रिया, तुम घर में स्टॉक रखती हो? अच्छा, तुम भी यही ब्रांड पीती हो? मैं नहीं पीती। तो अगर तुम आए तो? पहले से ही प्लान बना कर रखा था मेरे आने के लिए। एक बात बताओ, इस घर में भी तुम प्लान बना कर आई है ना? पुराने किराएदार को 25,000 की रिश्वत देकर खाली करवाया था। अरे चलाक लड़की, रिश्वत दी तुमने? उस दिन तुम किस शॉपिंग मॉल में हो ये जानने के लिए अभी को एक फुल बोतल दी थी। अभी अभी के बच्चे को फुल बोतल दे दी तुमने? कुत्ते की पिल्ले को रिश्वत दी तुमने? वैसे मुझे समझ में नहीं आता, क्या कमी है हम दोनों में? हाँ, अच्छे ही तो है फ्रेंड्स की तरह, कभी यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, मैं नीचे रहता हूँ, तुम ऊपर रहती हो, और क्या चाहिए तुम्हें? आई वॉन्ट मोर फ्रॉम यू। यहाँ कोई गेम चल रहा है क्या? मोर चाहिए, मोर। पूरी तरह, मैं तुम्हें पूरी तरह पाना चाहती हूँ। पूरी तरह? मैं कोई चीज हूँ क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम लड़की हो या क्या? बोलना शुरू कर दिया? हाँ हाँ, लड़की। एक बार मेरी तरफ देखो। अरे सर उठा के देखो ना।
अब शर्माना भी सीख गई हो हाँ? अरे मुझ में क्या रखा है हाँ? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें शराब की फुल बॉटल की तरह हट्टा कट्टा पति मिलेगा, उससे शादी करना। ए प्रिया, प्रिया मेरी बात तो सुनो प्रिया, अरे सुनो तो सही, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? मैं तुम्हें लाइक नहीं हूं प्रिया, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं बर्दाश्त कर लूंगी। क्या बर्दाश्त करोगी? देखा तुम्हारे रूम में मैंने क्या किया है, कितना कचरा किया है मैंने। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगी। मैं पीने के बाद डांटता हूँ। मैं सुन लूंगी। मैं मारता भी हूँ। मैं सह लूंगी। भगवान, इस लड़की को क्या कहूँ जो ये समझेगी? यही के I love you. God. क्या कहा तुमने? I said I love you. Okay? अच्छा। छे। बर्दाश्त करोगी कहा था ना, तो बर्दाश्त करो। संजू, संजू देखो कौन है, कौन है? संजू हाय, सोए थे क्या? नहीं तो चलो, कम ऑन कम ऑन। तोड़ दिया। क्या हुआ? जरा बाहर से खोलो। नहीं खुल रहा। खुल नहीं रहा? तोड़ दो, चलेगा। तोड़ दो, तोड़ दो। शोर। संजू जल्दबाजी में तोड़ मत, लेकिन कहीं तो कोई सिमिलैरिटी लग रही है। साला ऐसा लग रहा है कहीं रिप्ले देखा। संजू ऑल द बेस्ट। ए ए सिक्योरिटी, सर कॉफी। भाई मेरे लिए भी चाय लेकर आना। जी अच्छा। कैसे हो अंकल, हैं? मिलकर बहुत दिन हो गया ना। मुद्दे पर आ। कुछ नहीं सर, पिछली बार जैसा कहा आपने वैसे किया, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, प्रिया को मुझे देना ही पड़ेगा। क्यों रे, तुझे गर्लफ्रेंड सप्लाई करने के लिए मैंने अपनी बेटियों को पैदा किया है? वैसे एक बात बता, बड़ी बेटी से प्यार करके छोटी बेटी का हाथ मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं सर, इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन होती तो ये सब होता क्या? इसमें दरअसल गलती आपकी है। बड़ी बेटी की शादी में छोटी बेटी को बुलाया होता तो ये सब होता? तब वो अमेरिका में थे रे। यही तो, आने जाने का लाख रुपया बचाने के चक्कर में देखा अब क्या हो गया। सर मेरी बात मानिए, प्रिया की शादी मुझसे करवा दी। आप ही घर में आपकी आंखों के सामने हम तोता बना के। तोता नहीं है, चील गिद्ध जैसा खतरनाक पंछी है। हे भगवान, कहीं मेरे हाथों इसकी हत्या ना हो, ऐसा वरदान तो भगवान। आपकी बीपी कम करने के लिए भगवान क्या कर सकता है? अच्छे डॉक्टर को दिखाइए ना सर। अरे यार मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। आप बड़े हैं, होने वाले ससुर हैं, पैर मत पड़िए, हाथ जुड़ेंगे चलेगा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? सर सर सर, शादी के बारे में क्या सोचा? देखिए आपके बड़े दामाद की तरह मुझे एक करोड़ नहीं चाहिए, 60-70 लाख में भी चला लूंगा। देख मैं तुझे 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 6वें मिनट में तो इस क्लब में या मेरी बेटी की जिंदगी में नजर आया। आया तो पंचभूतों को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ। ए रुक रुक, अरे क्या है ये पंचभूत? अच्छा वो किसी फिल्म में पंचभूतों को चैलेंज करते हुए देखा था, लेकिन आगे का डायलॉग क्या है मुझे पता नहीं। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ अंकल। डैडी ने क्या कहा? नमस्ते, आज हमारी प्रिया के पिताजी से बैठक हुई, उनको हमने बड़ी सहनशीलता से अपनी प्रेम कहानी भी सुनाई। वैसे उन्होंने भी बड़ी सहनशीलता से हमारी प्रेम कहानी सुनी और अपना बड़ापन भी दिखाया। हमें उम्मीद है कि इस मसले पर वो अपना निर्णय सुनाकर इस कहानी को सही अंजाम देंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्ते, जय हिंद। तुम्हारे भाषण से यस समझू या नो? ऐसे बड़े बड़े सवाल मुझे से छोटे आदमी से पूछकर क्या फायदा, अंदर जाकर अपने पिताजी से ही पूछ लो। मैं चलता हूँ। फंस गए ना? चल चलो। वो आ गया।
चल कर दे क्या। हाँ हाँ तू फिकर मत कर, मैं पहुँच जाऊंगा। हाँ बोला ना पहुँच जाऊंगा। क्या कर रहा है यार, जल्दी करना, ज्यादा मेहनत मत कर, यही लोग खाने वाले हैं। क्या रे, तेरे लिए कोई स्पेशल बनाने वाले हैं? हाँ ले रे, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बोला ना लेकिन मैं ले लूंगा। रख दे रख दे रख दे, हाँ खा लो। ये भी कोई चाय साले? ये भाई चाय पसंद नहीं आई तो दूसरी ऑर्डर कर दो, ऐसे फेंक क्यों रहे हो? तू कौन है पूछने वाला? ए अबे क्यों बोल रहा है? अरे 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 मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ ना, छोड़ अच्छा चल बैठो भाई बैठो। अरे अभी अपने आप को दादा समझता है क्या? ज्यादा चिल्लाएगा तो पैंट गीली हो जाएगी। चलना गलती उसकी है, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना, समझा दे इसको। वो साला अपने आप पर आकर रोप झाड़ रहा है। हाथ में तुझे नहीं छोड़ूंगा। धोनी मार छक्का। मैंने लड़ूंगा इसके साथ, ये ले तेरे 10,000, मैं जा रहा हूं। Oh!
मत बढ़ना, तू आगे मत बढ़ना, मैं मार दूंगा इसको, गर्दन काट दूंगा इसकी, मैं मार दूंगा इसको, मार साले मार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आगे कदम बढ़ाया तो मैं इसको मार दूंगा, मारना मैं कहता हूँ मार इसे, आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जाओ, मारना, अबे तेरी मारना उसे, मार दूंगा, मार दूंगा, अबे तू इसे मारे ना मारे लेकिन मैं तुझे मार डालूंगा, मैं मार दूंगा इसको, अबे मारना कम से कम तुझे एक को मारने की खुशी तो मिलेगी, मर गया तो उसका बदला लेने के लिए हमें मार देंगे उसके घर वाले, तेरा क्या है, तेरे आगे पीछे कोई नहीं, कैसे भी जी लेगा, लेकिन हमें यही जीना है, अरे हमारी तकलीफ तू क्या जानता है, तकलीफ, हाँ तू क्या जानता है, तकलीफे बोला तू, ये तकलीफे हैं, ये तकलीफे हैं, महंगी बाइक पर घूमता है और आराम से एसी रूम में रहता है, हजारों हजारों के डिजाइनर कपड़े पहनता है और रोज लाखों रुपए खर्च करने वाला, तुझे तकलीफ के बारे में कुछ नहीं पता है, तकलीफ कैसी होती है, असली जिंदगी में तकलीफ कैसी होती है आज मैं बताता हूँ, तू सुन ले, स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर, आने के लिए 4 किलोमीटर, रोज 8 किलोमीटर पैदल चलने की तकलीफ तू जानता है, मैं जानता हूँ, हम तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता, तब पेट में जो आग लगती है उस तकलीफ के बारे में तू जानता है, मैं जानता हूँ, खेलने की उम्र में बच्चों को सही दवा ना मिलने की वजह से मरना पड़ता है, ये बात तू जानता है, भूख लगने पर जमीन की तरफ और प्यास लगने पर आसमान की तरफ देखने वाले लाचार लोग अभी भी इस देश में जिंदा हैं, तू भी इसी देश में रहने के बावजूद ये तू जानता है, पिता की मौत के 6 घंटों के अंदर जब माँ भी मर जाती है तो दिल में क्या दर्द उठता है वो तूने कभी महसूस किया है, मैंने महसूस किया है, आंखों को ना दिखाई देने वाली कोई शक्ति हमें जमीन की गहराई में धकेलती रहती है, ऐसा कभी तुझे महसूस हुआ है, जवानी में कंधे टूटना कैसा होता है ये तूने कभी महसूस किया है, ये तूने कभी महसूस किया है, अपने ही गांव में जीने के लिए हमारा अपना नाम हमारे अधिकार हमारी शक्ति काफी नहीं है, सब छोड़ छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ेगा, ऐसा तुझे महसूस हुआ है, जंगल कभी तुझे मां कितना लगा है, बंदूक के दम पर तुझे कभी सीने में हिम्मत महसूस हुई है, जिंदा रहने के लिए किसी को मारना पड़ता है तो जान लेने में कोई बुराई नहीं, ऐसा कभी महसूस हुआ है, मुझे महसूस हुआ बंदूक थाम ली जंगल में गया और नक्सलाइट बन गया, और नक्सलाइट बन गया, नक्सलाइट बन गया, नक्सलाइट बन गया, नक्सलाइट बन गया, यहाँ तकलीफ के बारे में बोलने का हक सिर्फ मुझको ही है, तुम लोगों को नहीं है, सच में तुम लोगों को नहीं है, हाँ अभी तक आईसीयू में है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, वैसे मामला थोड़ा सीरियस ही है, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है, हाँ मैं फोन करता हूँ, अब वो कैसा है सर, अभी वो खतरे से बाहर है सर, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में 1 हफ्ते से 10 दिन लगे जी, चिंता की कोई बात नहीं है, हेलो अब वो खतरे से बाहर है यार, संजय साहू जो हमेशा खुश रहता था उस दिन पहली बार गम में खोया हुआ दिखाई दिया, लखनपुर जिला केसर देसर गांव में एक खेतिहार के घर में इसका जन्म हुआ, पिता का नाम जनार्दन साहू, माँ सुमित्रा साहू, उसका भाई गोविंद साहू, WHO के आंकड़ों के मुताबिक रक्षा की सुविधा इनके गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर, सरकारी अस्पताल 8 किलोमीटर की दूरी पर और प्राथमिक विद्यालय 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन एक ही बात इनके परिवार के बहुत करीब है, वो है बदनसीबी। भैया, छोटे क्या हुआ छोटे, तुझे चोट लगी क्या? दिस साइनेटिक कुंजल हार्ट डिसीज विद वेंटिकल सेप्टल डिफेक्ट, कुछ नहीं है, दिल में सुराग है, मुंबई लेकर जाना पड़ेगा, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे जी, खर्चा तो होगा ही, खर्चा मत, अरे ज्यादा नहीं लगेंगे, 1 लाख में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है, वही प्रॉब्लम है, कितने दिनों में करवाना होगा? मैक्सिमम 1 महीने के अंदर बस। डॉक्टर ने क्या कहा?
कमजोरी की वजह से गिर गया था। ये दवा पिएगा तो ठीक हो जाएगा। वो लड़का बहुत तेज था, इसलिए डॉक्टर की बताई हुई मुद्दत से पहले ही चल बसा। संजय साहू, 8 साल की उम्र में ही उसने पहली बार सुशांत देखा। उसके बाद वो बहुत दिन तक दौड़ना ही भूल गया था। बरसों बाद जनार्दन ने अपनी खेती में लगे कीड़ों को देखकर घर जमीन सब गिरवी रखकर कृमिनाशक दवाई ले ली। काम नहीं हुआ। उस बात से निराश होकर वो दवाई उसने खुद पी ली। काम हो गया। बाबूजी, अरे संभल कर। संजय, तू यहां मां के साथ रहना। कल से तुम दोनों ने कुछ खाया नहीं। मैं जाकर कुछ ले आता हूं। संजय, तू अभी तक यहीं बैठा है? मौसी कहाँ है? मौसी, अब वो हमारी पुकार नहीं सुनेगी। संजय, कहीं पैर पर चोट तो नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ यार? अरे संजय, संजय रुक जा, रुक जा यहाँ से। संजय मेरी बात मान। संजय, संजय ये क्या कर रहा तू? संजय देख, संजय रुक जा। अरे ये पत्थर किसका है जानता है? ठाकुर साहब की सीमा का पत्थर है। इसके आगे 1000 एकड़ उनकी जमीन है। वैसे दूसरों की सीमा के पत्थर पर लात मारने वाला मर्द तू है? हाँ, तूने ही पत्थर को गिराया। क्यों रे, मारेगा? तेरे ठाकुर के घर में कितने लोग रहते हैं रे? तुझे मिलाकर तेरे ठाकुर घर में कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं तेरे ठाकुर के घर में? 2 लोग। 2 लोगों के लिए 1000 एकड़ किस लिए? कानून के मुताबिक कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? बोल। ए, वो इस गांव का जमींदार है, जानता है? वो गांव का जमींदार होगा, पर मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। क्या बोला मैंने? मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। क्या यह सीमा है? बोलना। तेरे बाप की जागीर है? ये सीमा का पत्थर है? सीमा का पत्थर है? ये तेरे बाप की जागीर है? तेरे बाप की जागीर है क्या? ए तू कहाँ चला? इधर आ। क्यों बेसाल है? धरती माँ का सीना चीर के पत्थर का पीने के पानी का बोतल में डालकर बेचता है। हाँ, फैक्ट्री डालकर सांस लेने वाली हवा को गंदा करता है। और तो और, चूल्हा चलाने के काम आने वाले केरोसिन को डब्बे में और सिलेंडर को भर भर के ब्लैक में, हाँ, ब्लैक में बेचते हो। कितना कमाओगे? तू कहाँ जा रहा है? इधर आकर चुपचाप बैठ। जहाँ तक कि आसमान का भी अंतरिक्ष के नाम पर सैटेलाइट बेचकर बंटवारा कर लिया तो हम क्या करें? हमें जमीन पर कैसे जिएंगे? हमें जमीन पर जीने का अधिकार है या नहीं? धरती, आग, पानी, हवा, आसमान, इन सब पे सबका हक है। और ये सब तेरे ठाकुर के बाप की जागीर नहीं है। समझ गया कि नहीं? समझ गया। जाकर बोल, मैंने बोलने के लिए बोला है। अकेले तेरे ठाकुर को 1000 एकड़ की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा है उसे दूसरों को देने के लिए बोल। जाके बोल, मैंने बोला। मेरा नाम क्या जानता है? संजय साहू ने बोला है। बोल, संजय साहू ने बोला है। संजय साहू ने बोला है। संजय बस कर यार। संजय बस कर। यहाँ चलने वाली हवाओं पर नहीं, तुम्हें रोकने वाले उस पत्थर पर नहीं, मटकी पर भी नहीं,
यहाँ तक कि इंसानों पर भी नहीं है और बहुत सारी चीजों पर है। 25 साल से तुमने जो भुगता है उन हालातों पर है। तुम जैसे ही हालातों से लड़ने वाले और भी कुछ लोग हैं वहां दूर उस जंगल में, उनके साथ मिलकर काम करोगे, चलोगे? वहां पर भी किसी ने पत्थर गाड़ा तो चीर के रख दूंगा। एक आदमी की प्रतिक्रिया को गुस्सा और एक गोट की प्रतिक्रिया को क्रांति कहा जाता है। ये बात उसे उस दिन पता चली। नक्सल मूवमेंट में कुरियर से अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला संजय कुछ दिन में कैडर बन गया और उसके बाद लीडर। ये लैंडमाइन किसके लिए लगा रहे हो? अगले हफ्ते मिनिस्टर इस्तराफा आने वाला है। उसी की कार उड़ जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? उसके साथ 10 पायलट गाड़ियां और होंगी, किसी की भी गाड़ी उड़ सकती है। उसकी गाड़ी उड़ी तो वो मर जाएगा, दूसरे की गाड़ी उड़ी तो वो डर जाएगा, दोनों ही ठीक है ना? उसे मारने के बजाय बेकसूरों को मारना गलत होगा। हम जंग लड़ रहे हैं, इसमें सही गलत नहीं होता, सिर्फ हार जीत होती है। मासूमों को बचाने की जंग में अगर मासूम ही मर जाएं, तो फिर हमारी इस जंग का क्या फायदा है? ये ऊपर से भेजा गया है, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी राय नहीं। ये मेरी राय नहीं है, हकीकत है। ऐसा कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। वो जो जंग लड़ रहा था वो राइट है या रॉन्ग? ऐसे संघर्ष में उलझते वक्त एक दिन जाना मरेगा। कितने लोग होंगे? कम से कम 5-6 तो होंगे। जुकाम है? नहीं, साइनस है। इलाज नहीं किया क्या? हाँ? इलाज नहीं किया क्या? कुछ भी करो, मरने के बाद ही जाएगी। फिर तो एक काम करो, आगे जाओ, हमेशा के लिए चली जाएगी। I think it's over. Sure? Yeah. Hands up. Hey! डाउन, बंदूक बंदूक नीचे करो। डाउन डाउन ऐसा डाउन। ओके 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 डाउन। क्या हुआ बिच्छू? है क्या? चींटी है। चींटी से डरने वाला पुलिस ऑफिसर क्यों हंस रहा है? कुछ नहीं, मैं मरूंगा तो तू खुश होगा ना? हैंड्स अप। अरे हाथ बांधे हुए कैसे करूं? हाँ कैसे? ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है, पता है? एनकाउंटर एंड कोम्बिंग्स, खुशी खुशी रहता था शहर में, 2 साल से दाना पानी सब भूल कर घूम रहा हूं इस जंगल में। मंडल ऑफिस उड़ाते हो, बस उड़ाते हो, सब कुछ उड़ाते हो, ये क्या दिवाली के पटाखे समझ रखे हैं क्या? अरे मेरे डिपार्टमेंट की ही नहीं, मेरी कमीज से एक बटन भी नहीं उखाड़ पाओगे तुम लोग। सारी गलतियां हमारी हैं, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी है, तुम पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूं। कुछ नहीं है। क्या नहीं है? गलती हमारी नहीं है। सारी गलती तुम लोगों की है, मान जा। मैं नहीं मानूंगा। मान जा, गलती हमारी नहीं है। मान जा। क्यों मानू? लेकिन क्योंकि गन मेरे हाथ पे, इसलिए मान जा। ओके, गलती हमारी ही है, चल जाएगी, हटाओ ना, गलती हमारी है, मान ली ना। चल, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा। क्या है ये? दलदल। हाँ? दलदल है ये भी तुम लोगों ने बनाया? हमारी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की है। मुझे बचाओ वरना मार दूंगा। मुझे बचाओ वरना मार दूंगा मैं। छोटा सा करेक्शन है। करेक्शन? बाहर निकाल वरना मर जाऊंगा, बोलो। ऐसे टाइम पे क्या ग्रामर देखते रहे? मुझे बचा।
बचाओ, बचाना मुझे, अरे मुझे निकाल, निकाल मुझे, अरे जरा, अच्छा, गन इधर, मेरी तरफ, ले, आराम से, ए अंकल, अभी अभी तू क्या बोल रहा था? हम लफड़ा करते। तुम क्या करते हो? सोशल सर्विस करते हो? असल में तुम लोग गलती नहीं करोगे तो हम लोग क्यों लड़ेंगे? हाँ, गलती तुम्हारी है। गलती करने वाले होते तो वहीं पर तुझे मार दिया होता। पागलों जैसी आर्गुमेंट मत करो, गलती तुम्हारी है, मान जाओ। मैं क्यों मान जाऊं? क्योंकि अब बंदूक मेरे पास है, इसलिए गलती तुम लोगों की है, मान जाओ। ओके, क्या ओके? वही, गलती हमारी है। सुनाई नहीं दिया, ठीक से बोलो। गलती हमारी है, ठीक है ना? गुड। इसे अपने गले में लटका लो, तुमसे मुझे दिया होता। उठो, उठो। चाहे तुमको ये राह है, अरे हम भी है भूखे, तुम भी हो प्यासे, कब तक बच्चे दूर रहेंगे अपनी ही माँ से। जब हम मांगे अधिकार, ये करते हैं प्रहार, अरे अपने खेत है जंगल, सब कुछ फिर भी है बेकार। एक नक्सल और पुलिस ऑफिसर की अलग अलग राह पे चलने वाले ये लोग 8 घंटे एक साथ गुजारने के बाद इंसानों की तरह पेश आने लगे। एक गाड़ी आ रही है। हाँ, शायद वो पुलिस जीप होगी। ये गन मुझे दे दे। इनके सामने मत बोलना कि तू नक्सलाइट है। पुलिस स्टेशन जाकर मीडिया के सामने तेरा रिहैबिलिटेशन करवा दूंगा। अगर आने वाले नक्सलाइट हुए तो गन मैं अपने पास रखता हूँ, तुम जाकर पेड़ों के पीछे छुप जाओ। मेरे जाने के बाद किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाना। अगर वो पब्लिक बस हुई तो ये गन फेंक देंगे, आने वाली बस में चढ़कर अपने अपने गाँव चले जाएंगे। ए, ये तो बहुत सारी कार आ रही है। कौन वाय? क्या है? वहां मत जाओ, वहां लैंडमाइन है। वहां लैंडमाइन है, तू कैसे जानता है? क्योंकि उसे लगाते वक्त मैं भी तो यहीं पर था। कैपेसिटी कितनी है? पूरा का पूरा कौन वाय उड़ सकता है। अब क्या करें, वो लोग तो आ रहे हैं। रोको रोको, उन्हें रोको। अरे कैसे रोके? अरे जोर से चिल्लाओ। अरे उन्हें नहीं सुनाई देगा। कमीज उतार के ऐसे घुमाओ ना। हाँ, नहीं, तेरी कमीज उतार, कमीज उतार। मैं नहीं दूंगा। क्यों? पूरे कॉन्वॉय को बचाने वाली कमीज किसकी है पूछेंगे तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? मुझे या आपको? क्रेडिट आपको मिलना चाहिए ना। यू आर राइट, आई विल गो। उधर से, उधर। स्टॉप, स्टॉप, रुक जाओ, स्टॉप, रुक जाओ, यहां लैंडमाइन है, रुक जाओ, रुक जाओ, लैंडमाइन है, लैंडमाइन। स्टॉप, रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। मिनिस्टर कहाँ है? क्या हुआ, क्या बात है? ध्यान से, लैंडमाइन है उधर। कहाँ? थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके सर। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। कमीज तो मैंने दिखाई सर। कमीज से क्या होता है, जैसे लिफ्ट मांग रहे हो। उस लड़के को देखो, लाल कपड़ा दिखाया, वो होता है रोकना। अब ये सलमान क्यों बन रहे हो? कमीज पहन लो। कौन है ये? सर ये वही ऑफिसर है जिनका अभी सिटी में ट्रांसफर हुआ है। हेलो, हाँ नो प्रॉब्लम, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। क्यों रे, जब तू लाल कपड़ा दिखाई रहा था तो मुझसे आइटम सॉन्ग क्यों करवाया? अरे मेरे डिपार्टमेंट की ही नहीं, मेरी कमीज से एक बटन भी नहीं उखाड़ पाओगे तुम लोग। मैंने तो मजाक किया था। मैंने सीरियसली ले लिया। एक मिनट, तुझे तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। सॉरी सर, उड़ेगा कि नहीं टेस्ट कर रहा था। दिखा था। शहर में तबादला तुम्हारा ही हुआ है ना? जी हाँ सर। मैं और 3 साल इसी ओहदे पर रहने वाला हूँ। इन 3 सालों में तुम सड़क तो क्या, कच्चा रास्ता भी नहीं देख पाओगे। तुम इसी जंगल में पड़े सड़ोगे।
पूरे तीन साल काली घाटी जंगल में। ये क्या है जी? हाँ, भटकता रहा। ये मैं जंगली भाषा में बोल रहा हूँ। उसका रिहैबिलिटेशन और सम्मान, मेरे लिए वनवास। उसका 5-स्टार होटल में डिस्को। मेरा जंगलियों के साथ नाच। उसके लिए बर्गर और पिज्जा। मेरे लिए जिमीकंद। वो मेरे लिए जहन्नुम था। ये मैं जंगली भाषा में बोल रहा हूँ, जो कॉमेडी भाषा बन गई। और कुछ दिन रहता तो हिंदी भी भूल जाता। संजू भले ही महान नहीं है लेकिन अच्छा जरूर है। क्या अच्छा? बोल क्या? गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? थैंक यू। एक साल पहले तुम्हारी दीदी का हाथ मांगने आया था, अब वो कहता है कि तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम उसी का साथ दे रही हो। टेल मी। हेलो इंदु, न्यू बुक्स फॉर यू। थैंक यू डैडी। और मेरे लिए? दीदी की किताबें हैं ना बेटी, ये ले। कॉलेज जाने के लिए न्यू बाइक। थैंक यू डैडी। और मेरे लिए? दीदी की साइकिल है ना बेटी। मम्मी, तुझे अच्छे पति दिलाया है बेटी। और मेरे लिए? हाँ, ये देखो दीदी का बॉयफ्रेंड है ना, खुश हो जा। मैं आपकी बात मानूंगी डैडी। मैं जानता हूं बेटी, यू आर माय डार्लिंग। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं, क्यों बेटी? तुमने क्या गलती की है जो भागना चाहती है? एक दो महीने में एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अगर मैं यहाँ रुकी तो वो तुझे कुछ नहीं करेगा। वैसे भी तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तलवार जैसे लड़के को सेलेक्ट करके रखा है। बैच नंबर 58, रोल नंबर 132, गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर ऑफ द बैच, प्रणव द हेड कॉन्स्टेबल। जो अभी कहा याद है ना? याद है सर। अगर उसने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो मार भी दूंगा तो आपको चलेगा ना सर? दैट्स माय बॉय। ये बात नहीं है ठाकुर साहब, शहर के लड़के हैं ना, ये प्लान वो प्लान वगैरह, वो अपने तरीके से काम करते हैं, इसीलिए खाली हाथ आ गए। यही अपने गांव के लड़के होते तो पहले मार कर उसके बाद सोचते हैं प्लान कि लाश कैसे ठिकाने लगाई जाए। बुलाऊं किसी को? लाइट बुझाने के लिए ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट करने की जरूरत नहीं है, स्विच ऑफ करना ही काफी है। इसका स्विच कहां है यही सोच रहा हूं। प्रिया डार्लिंग, मना लिया आपने पिताजी को? मना लिया? डार्लिंग तुम कमाल की हो, तुम्हें अगर 4 दिन का टाइम दिया जाए तो तुम पाकिस्तान को कन्विंस कर दोगी कि उन्हें कश्मीर नहीं चाहिए। कम ऑन, इट्स द टाइम टू सेलिब्रेट। डोंट टच मी। प्रिया, क्या हुआ प्रिया? ए प्रिया, डोंट टच मी, आई हेट यू। पैदा होने से लेकर अब तक की सारी ऑटोबायोग्राफी तुम्हें दे दूंगा, तब खुश हो जाओगी? हाँ? नहीं चाहिए, पराये लोगों की पर्सनल बातें जानने की क्या जरूरत है? मैं पराया हूँ? हाँ। मैं पराया हूँ? हाँ। प्रिया, गॉड, भगवान, वी आर नेबर्स, नॉट इवन फ्रेंड्स, ओके? अपनी रिलेशनशिप को कचरे में डालकर फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर दे। प्रिया, प्रिया मेरी बात, ऐसे जज्बाती ना होकर अब समझदारी से रहेंगे। हाय, आई एम प्रिया, प्रिया, प्रिया अस्थाना, डॉटर ऑफ अश्विन अस्थान। आप करते क्या है? पागलों से दूर रहता हूँ। फिर से स्टार्ट करके, फिर से। ए, कौन है बे तू? अंदर कैसे आया? कौन है बे तू? हाँ, प्रणव,
द हेड कांस्टेबल, ये बता तू कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ? वो भी यही पूछ रही है, तू भी यही पूछ रहा है, अभी बताता हूँ, सुन ले। मेरा नाम है संजय, संजय साहू। अरे मैं JNU में केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, नीचे बच्चों को एरोबिक्स कराता हूँ, बाहर लड़कियों के साथ मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखता हूँ। नाइस नाइस मीटिंग यू, फिर मिलेंगे। अब कभी मत पूछना कि मैं कौन हूँ। तेरा आधा मेरा आधा, वो भी दूध भी। ओके, बर्तन लायो। नहीं, हाथ आगे कर। क्यों? आंसर चाहिए कि दूध चाहिए? दूध ही चाहिए। तो चुपचाप हाथ आगे कर, हाथ आगे करना। हाथ तेरा आधा मेरा आधा। ओके, जब उसमें दो पैकेट थे तो एक तुम लेकर दूसरा मुझे दे सकते थे ना बेटा। हे भगवान, मुझे तो ये आइडिया आया ही नहीं। वो था ना इंटेलिजेंट बॉय। यू चूइंग, वैसे आपको ये आइडियाज आते कहां से सर? ए अभी प्रणव जी ने क्या कहा सुना तूने? तारीफ कर रहा था कि ले रहा था। क्या है वो? स्लीपिंग टैबलेट्स। वो किस लिए? रात को प्रिया जो दूध पिएगी उसमें अगर मिला दिया तो वो आराम से सो जाएगी। हम कितना भी शोर मचाएंगे तो वो उठेगी नहीं। रेप करेंगे तो भी वो रेसिस्ट नहीं करेंगे। कमीने कही के, इतनी बड़ी साजिश। अरे प्रणव जी, रुक जाओ, कांच टूट जाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसे निकाल दिया है सर। यहाँ पर कांच नहीं है, मैंने सोचा है वो लड़कियों की इज्जत को कांच की तरह तोड़ने वाले यहाँ के कांच को क्यों नहीं तोड़ोगे? नहीं सर, प्लीज सर। प्रणव जी, प्रणव जी, सब नाटक था सर, हम तो मजाक करेंगे सर। मेरी बात सुनिए ना सर, प्लीज मेहरबानी करके प्रिया को ये बात मत बताइए। यार मुझे हाथ तोड़ के रख दूंगा मैं, कौन हूं जानता है? प्रणव द हेड कांस्टेबल, यूज़लेस फेलो। सर प्लीज सर, मुंह बंद कर अपना। सर प्लीज सर, प्लीज मेरी जिंदगी को समझता क्या है? देख मुझसे पंगा मत ले, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये क्या हुआ, गाल पे क्या हुआ? दीवार से घसीट गया। दीवार राइट में है तो लेफ्ट में कैसे लग गया? उतरते वक्त घसीट गया था। आँख क्यों काली पड़ गई? सारे सवाल अभी पूछना है क्या, एक क्लास टीचर की तरह? फिर से कहाँ जा रहे हो? घर में रहा तो पागल हो जाऊंगा मैं, जरा बाहर घूम कर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। बाहर जा रहा हूँ कहा था ना? जाऊंगा कहा तो जाना पड़ेगा क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर में ही रहूंगा। प्लीज आई कांट डू इट मैन। व्हाई व्हाई? शी इज लाइक माय डॉटर यू नो, हाउ कुड आई? क्या प्रणव जी, ऐसे डिसअपॉइंट करोगे तो कैसे चलेगा? मुझे डिसअपॉइंट करोगे तो क्या होगा जानते हो? इसे देखकर खुद ही अंदाजा लगा। टैबलेट दे दिया, उसने पी लिया। क्यों बे प्राणा, बच्चों की तरह झूठ बोल रहा है? ये दूध की मूंछों से पता चल रहा है कि दूध तूने ही पिया है। क्या है कि वो लास्ट में थोड़ा बच गया था वो। असल में मेरा आइडिया दूध तुझे ही पिलाने का था। सोती हुई लड़कियों का रेप करने में क्या मजा है, जबरदस्ती करने में मजा है। अब तू सो जाएगा, वो भागेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, प्रणव हेल्प मी, मेरी इज्जत को बचाओ प्लीज। और फिर मैं। वह संजय साहू प्रियंका को भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह ठाकुर दामोदर सिंह संजय साहू को बिल्कुल भी नहीं भूला। पिछले 15 मिनट से जो तुम बस ढूंढ रहे हो वही है, जाओ जाओ। हाँ सर, 16 भी जुबली हिल्स में रुकेगी ना? देखो ब्रदर, 16 भी कहाँ रुकेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। जुबली हिल्स में रुकेगी, एक्सीडेंट होकर अपोलो हॉस्पिटल में रुकेगी, ये तो भगवान ही जानता है। Got it? Thanks. God bless you, my boy. सब कुछ ठीक ठाक है ना? सब ठीक है यार। अरे संजू, वो बैग किसका है? ए राजू। हाँ
वो लाल कुर्ते वाला जा रहा ना, वो बैग उसी का है। हाँ। ले जाकर उसे दे, ठीक है? ठीक है, जा। ए भाई, तुम अपना बैग ले लो। अरे सुनो, बैग ले जाओ। होने के लिए एक हफ्ता, पैसे भरने के लिए 10 दिन और उठकर चलने के लिए 1 महीना लगेगा। आखिर इसे पकड़ने के लिए कितने दिन लगेंगे? रुक जाओ, प्रिया बेटी अंदर पढ़ रही है। पढ़ रही है? ये पढ़ाई वढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है, आप जाइए। थैंक यू सर। बुरा समय चल रहा है मेरा। प्रिया, चौंक गई क्या? कुछ नहीं प्रिया, तुमसे एक बात करनी थी। कहो। जो कैसे बताऊं, शर्माती है वो, बड़ी सेक्सी है ना, उसका नंबर दोगी? क्यों? मैच्योर लोग ऐसे सवाल नहीं किया करते। थैंक यू, थैंक यू प्रिया, बड़ी मदद की। तुम्हारी क्लास में लंबा गोरा हमेशा रेड शर्ट पहनने वाला वो लड़का? हाँ, हरीश, वो मेरा अच्छा दोस्त। हाँ, है। वो मुझे बहुत हैंडसम लगता है, उसका नंबर जानते हो? हाँ, जानता हूँ ना। दोगे क्या? नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मैच्योर नहीं हूँ ना। हेलो जो, मन बोला मर जावा, तेरे हुस्न के हीरे मोती झोली विच भर जावा। तेरे लटके झटके शकीरा दरिया अहमद भरा, चार में जोर देखे जो हो जाए पिता। करके मीठे मीठे बातें दिल पे सीधे घात करूं, बंद करूं कचराले पलके दिन को रात करूं। हे कुड़िये नच के दिखा, दिल पे बिजली गिरा, हीर है तू मैं तेरा जानना, आ मेरे कॉल तो आ। ओ मेरा नजर करके मुझको इशारा करके, वादा कर ले साथ चलेगा मुझको सहारा करके। दिल में खिले है तू, आजा इस दिल की प्यास बुझा। तेरी गलत जो लग जाऊं तो जल जाए ना साथिया। ओ सोनी कोड़ी लगे फुल झड़ी ते मन बोला मर जावा, तेरे हुस्न के ही है वो जी झोली विच भर में गाए हम तुम,
जिगर है तू, दिल में खिले है तू, आजा इस दिल की प्यास बुझा। तेरी गली से जो लग जाऊं तो चल जाए ना साथिया। ओ सोनी कोड़ी लगे फुल झड़ी ते मन बोला मर जावा। तेरे हुस्न के ही ये मोती झोली विच भर जावा। हेलो। हाय प्रिया, इट्स मी। हाय डैडी। तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया बेटी। डैडी प्लीज। कल ही उस लड़के से मुलाकात हुई, वो बहुत ही अच्छा है। डैडी मुझे नहीं करनी है। अभी जरा ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। फिर से बोलिए। कल ही उस लड़के से मुलाकात हुई, वो बहुत ही अच्छा है, वो वहीं रहता है, टीसीएस में बहुत बड़ी पोस्ट पे। वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए लड़का गोरा है ना? वैसे तो देखने में मुर्गी के अंडे की तरह सफेद है। अच्छा? लेकिन जब शर्माता है तो एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। But I want to see him once, Daddy. देखोगी तो मान जाओगी, वो एकदम रणबीर कपूर की तरह है। तुम एक बार मिल तो लो। नो नो नो, ऐसा होगा तो चीप हो जाऊंगी डैडी। वैसे भी लड़कियों को जू बीच और बैंड स्टैंड में नहीं रहना चाहिए, एवरेस्ट की चोटी पर रहना चाहिए, तभी डिग्निटी मिलती है। लंच पर ताज में मिलूंगी। बाय डैड। रोमांस में ओरिजिनलिटी चाहिए क्या? किसी और के आइडिया को कॉपी करने का मतलब है आजादी के बाद भी ब्रिटिश कंपनी के नीचे गुलामी करना। चू मतलब चुड़ैल, तेरे लिए शॉर्ट फॉर्म ही काफी है। मेरा नाम रघुराम है, टीसीएस में प्रोजेक्ट लीडर का काम करता हूँ। टेक होम कोई 70,000 तक बनता है। हाल ही में एक कार भी खरीदी है। ऑलमोस्ट सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं। मेरे माता पिता दोनों सुबह मैक्सिमम एक घंटे में मेरा काम खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं फेसबुक और ट्विटर पर बैठा रहता हूँ, और शाम को मैं जल्दी घर आ जाया करता हूँ। एक्चुअली आई डोंट स्मोक, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंड? नथिंग। आपको फूड एलर्जी है क्या? मुझे पोटैटो से एलर्जी है। अभी आपने जो खाया वो पोटैटो ही था। पैसे कहाँ हैं? मेरा बटवा तो तेरे ही पास है ना। अरे अभी तुझे पेपर से मार दूंगा। ए प्रणव के बच्चे, तू इधर आ। क्या प्रणव का बच्चा? क्यों बच्चा बोल, कोई गलती की क्या? जान तो नहीं जाएगी ना? क्यों बे बड़ा भटक भटक के जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अंडे लेने के लिए। अंडे लेने जा रहा है? किसके लिए? बिटिया के लिए। अच्छा बिटिया के लिए, उससे क्या बनाएगा? ऑमलेट बनाऊंगा। बहुत बना लिया ऑमलेट, अभी इधर आ। क्या बात है जी, काम है बे तुझसे, बैठ जा। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहाँ फंस गया? ये 1,000 का नोट लेकर जा। 1,000 का? हाँ, आप नहीं फुल बॉटल लेकर। बात यह है कि 10 का नोट देकर के 1,000, वो 1,000 ये खिसक ले। ए प्रणव। हाँ सर। चिकन रोल 2 प्लेट लेकर आना। मेरे लिए प्रॉन्स। हाँ। इसके लिए 2 प्लेट प्रॉन्स। मेरे लिए फिश। इसके लिए फिश। चल लेकर। हाँ, इसी 1,000 से ना? हाँ इसी 1,000 से, रो मत, छुट्टा रख लेना। छुट्टा मुझे बख्शीश में दे रहे हैं। हाँ बे, समझा नहीं क्या? Le creo y quiero saber más. Eso es lo fácil. ¿Vos con él? लगता है इज्जत वालों को तो घर रह ही नहीं गया। हाँ, हैरा गिराने लगता है। ए आलू किधर जा रहा है? ये इज्जत वालों का घर है, सुनता नहीं है। इस तरह से बजाओगे तो ही खोलेगी। से आ गया परेशान करने। हाय। क्या बात है रघु, इस वक्त आए हो? वो मुझे मुझे जरा बात करनी है। श्योर, कर लो ना बात। क्या बात है बोलो। मतलब मुझे जरा पर्सनल बात करनी है। पर्सनल? ए आधी रात को क्या पर्सनल बोलना तुझे? ये इज्जत वाला वो घर है, क्या समझ के रखा तूने? हाँ क्या? मेरा वो मतलब नहीं था सर। हाँ तो क्या है? शाम को ही डिस्चार्ज हुआ था, सोचा ये घबरा रही होगी इसलिए। ये अबे, एक साल से इसे प्यार करता हूँ, नीचे रहकर इसके लिए तड़पता रहता हूँ, तब भी ये मुझे भाव नहीं देती है, तो कल परसों आने वाला तुझ जैसे घोंचू के लिए ये घबराएगी? हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। मुझे भी ऐश्वर्या राय चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी ना? देखो ज्यादा परेशान करोगे तो प्रणव को बुलाऊंगा। ओह माय गॉड, प्रणव को? वो कोई आनल श्वाज नहीं करेगा, उसकी धमकी दे रही हो, वो क्या उखाड़ेगा मेरा।
इस घोंचू के सामने मैं जो जी आए वो करूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं उस प्रणव को भी ठिकाने लगा दूंगा। हाँ। मैं आजकल कुछ भी उखाड़ने के मूड में नहीं है, मुझे क्यों ठिकाने लगाएंगे। ए प्रणव क्यूट बॉय, ले आया? जा नीचे जाकर एक अच्छा सा पैक बना। मुझे नहीं आता है जी। बोले प्रणव, सब कुछ पैदाइशी सीख कर थोड़ी ना आते हैं रे। ये तो सही, दो तीन पैक गलत बनाए तो भी चलेगा। हाँ। हाँ। मैं तो कभी कभी रॉ भी पी लेता हूँ। धीरे धीरे तू सीख जाएगा। चल जा बेटा, जाकर पैक बना। जा बेटा जा बेटा जा बेटा, भूत जा। ये तो आज इस बच्चे की जान लेकर ही रहेगा। छुट्टा कहाँ है रे? छुट्टा 1000 रुपया लेकर गया तो हिसाब दे। 1000? छुट्टा रखने के लिए बोले थे ना सर। वो तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, वो मेरा बड़प्पन है ना, लेकिन पैसे लौटाना तेरी ईमानदारी है। वो इतना कुछ बोलते जा रहा है और तुम सुनते जा रहे हो? ये मारता है बेटी। तुम्हें मारता है? पागलों की तरह मारता है बेटी। हो गई तेरी बकवास खत्म। नीचे चल, तुझे दिखाता हूँ। चल चल जाता हूँ। चल मैं जान बची लाखों पाए। ओके प्रिया, गुड नाइट। प्रिया कितने प्यार से बीवी की तरह बुला रहा है, मैं तो कब का भूल चुका था, है ना प्रिया? मैं दे देता हूँ, तुम जाओ। हे वेट, यू डोंट हैव टू गो। गुड नाइट प्रियंका। आई मीन नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल यू लेटर। रघु यू, ए सुनो, न्यूसेंस बन गया है। रघु से बात करती हूँ तो इसे क्या प्रॉब्लम है? ऊपर से प्रणव को भी मार रहा है आजकल। क्या देख रही हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? प्यार का इजहार इससे बेहतर कैसे किया जा सकता है? कुछ लोग लेटर्स लिखकर करते हैं और कुछ लोग फ्लावर्स भेजकर। तुम झूठ बोलकर करती हो, जबकि वो चिल्लाते और मारते हुए, वो उसका तरीका है। संजू से जब डैडी ने मेरी शादी के लिए मना किया तो संजू ने मुझसे कुछ नहीं कहा। जब मैंने उससे पूछा तो पता है उसने क्या जवाब दिया? मुझसे शादी करके लाइफ सुधर जाएगी ऐसा कन्विंस कराने के लिए मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ कहा। संजू के साथ फ्रीडम रहेगी प्रिया, एक बात समझ लेना, रघु के साथ तुम बोर हो जाओगी। एक हफ्ते के बाद उसके बारे में जानने के लिए नया कुछ भी नहीं रहेगा। संजू तो एक जंगल है, हर रोज नया सरप्राइज देगा मरते दम तक। बिलीव मी, उसने मुझसे इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे करता है। गुड नाइट। थैंक यू। पी लीजिए। मैंने क्या पाप किया था जो हमेशा मुसीबत मुझ पर ही आती है? मैं आराम से डिग्री पढ़ते हुए दारू पीते हुए कोने में पड़ा था, तो ये लड़की मेरी जिंदगी में आई और साड़ी पहनकर एक्सपोज करके मुझे पटाकर कुत्ते के पिल्ले की तरह मुझे सड़क पर छोड़ गई। यार स्वामी हनुमान जी, सुबह मैं आपके मंदिर में आ जाता हूँ, आ ही जाता हूँ, मेरी सारी तकलीफें दूर कर दो बस। अरे बाप रे, मुझे क्यों मारा सर? मैं यहाँ रो रहा था, ये बात किसी को पता चल गई तो? हाँ। क्यों बे, वेट कर रहा है, डायलॉग कंप्लीट नहीं किया इसलिए। अरे बाप रे, नहीं करूंगा, मेरी मर्जी है। इसे प्यार से बोलो तो ये सुनता नहीं है, दो रख के दो तब मानता है। रात को दारू पीकर चाटा मारता है, सुबह हनुमान जी के मंदिर जाता है। संजय साहू और प्रियंका का मिलन हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना, जिंदगी में किसी को कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद ही मिलती है। इनके सामने बस एक ही मुश्किल है, ठाकुर दामोदर सिंह। तुमसे किसने कहा मैं आ रहा हूं? बोलो ना क्या बात है, बोलो ना क्या बात है, बताओ ना क्या बात है। I love you. क्या टाइमिंग है तुम्हारी भाई। लोग तुम्हारी भाभी को बाहर छोड़कर आता हूं, तुम लोग यहीं वेट करो, ओके? Do you love me? फोन करके बताता हूं, अब जाओ यहां से, जाओ। On the way, he's on the way to break your bones and throw them away. Now, 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 you can't get away. He's gonna get you anyway. क्यों वैसा लो? टीका विका लगा कर आयो? मारने का इरादा है क्या? Jake!
तुझे जोर से पड़ने वाली है। क्या बे, हम लोग यहाँ इतना सीरियसली फाइट कर रहे हैं और तू वहां हिजड़ों की तरह खड़ा हुआ है? ये बात मुझे कुछ पसंद नहीं आई, इसलिए फाइट मैंने थोड़ी सी चेंज की। तू ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहे। अबे साले पकड़ पकड़ी खेल रहा है। पहली बोला था ना तुझे जोर से पड़ेगी। ओके अच्छा भागो। साले दोबारा कभी नहीं आएंगे। क्यों रे बच्चे, ए, किसने भेजा तुझे? बोलना क्या करूंगा सोच रहा है? मंदिर के बजाय ये नारियल तेरे सिर पे फूटेगा। मुन्ना, मुन्ना ने भेजा। मुन्ना? नारियल में फूल निकला, मतलब मुन्ना का काम तमाम। हेलो। हेलो प्रिया डार्लिंग, मैं समझ गया। क्या समझ गए? संजय साहू के सामने बम फटे या इंसानों की हत्या हो उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन लड़की के आई लव यू बोलते वक्त झगड़ा होने की वजह से वो परेशान था। उसी पल संजय साहू ने दामोदर सिंह को सीरियसली ले लिया। अच्छा प्रिया, और उसी पल ठाकुर दामोदर सिंह की मौत की तारीख तय हो गई। आई लव यू टू, बाय बाय। मुन्ना अब तेरी बात। नमस्ते, बाहर आपके आदमी ने पार्किंग नहीं करने दी इसलिए। मैंने भी भाईगिरी अपनाया और ये नया गन खरीद लिया। बता कौन है वो? ठाकुर दामोदर सिंह। और कहाँ रहता है? हेलो अंकल, आपके बारे में मुझे मुन्ना ने बताया। अंकल मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जीजा की खुशी के लिए और बहनों के आंसू पोंछने के लिए मर्डर करने वालों को तो देखा है, लेकिन दूर दूर तक संबंध ना रखने वाले मुझसे, हाँ ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। संबंध नहीं है, इस तरह क्या देख रहा है? बार बार तेरा पीछा करने के लिए हम क्या तेरे फैंस हैं? 6 साल पहले मेरे आदमी को मारा, बाप की मौत की गम में था सोचकर छोड़ दिया। 5 साल पहले मेरे जायदाद को मिटा दिया, आतंक के जोश में था सोचकर चुप रहा। मेरे गांव में ही मुझे तबाह करके, मेरे साम्राज्य का नाश करके मुझे सिटी में आकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया। टाइम अच्छा नहीं है सोचकर खामोश रहा, मेरी हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया। यही भगवान की मर्जी है सोचा, लेकिन 8 महीने पहले तूने मेरे दिल पर वार किया, याद नहीं है क्या? वो कौन है जानता है? मेरा बेटा है, ठाकुर दामोदर सिंह का छोटा बेटा, शेर की तरह घूमने वाला, एक लाश की तरह विक्रम हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है, कोमा में है। पिछले 8 महीनों से हम पर आने वाली मुसीबत हमारे अपनों पर आ जाए तो वो नरक होता है, नरक। ये बताने के लिए ये सब किया। दोस्त को किडनैप करने वाले गुंडे, पागलों की तरह दौड़ाने वाली कार, आंखों के सामने फटने वाले बॉम्ब, ये सब चूहे को बिल से बाहर निकलवाने के लिए डालने वाला चाला था। ये सब क्यों किया जानता है तू?
तुझे मौत से नहीं डरना चाहिए, डरना चाहिए जीने से। डर वो क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन सामने वाले की आंखों में डर को देखना मुझे अच्छा लगता है, वो भी खासकर तेरी आंखों में देखना मुझे बेहद अच्छा लगेगा। आपका भाषण सुनकर मुझे एक बात समझ में आ गई अंकल, आपके पास सब कुछ है, आन बान शान बैंगन आलू मिट्टी राख सब कुछ है, एक डर को छोड़कर। अब तक आपने सामने वाले को डरते हुए देखा लेकिन आप कभी नहीं डरे, यही ना? ये तो कोई इश्यू है ही नहीं। विद इन अ शॉर्ट टाइम आप डरने वाले हैं, मैं डराने वाला हूं। मंगल सिंह अंकल को बोल दे मैं वादा निभाने में पक्का हूं। आपको डर के मारे पेशाब कराना मेरा काम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं गाली देना छोड़ चुका था लेकिन भगवान क्यों मुझसे। संजय नहीं, कूल डाउन कूल डाउन। अंकल हम दोनों में झगड़ा किस लिए, हम दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं, क्या बोलते हो? मैंने बोला ना तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं कर दूंगा, ग्राम या किलो के हिसाब से नहीं टनों के हिसाब से मिलेगा। डर डर वो मैं शादी के बाद देख लूंगा, नो प्रॉब्लम, बाय। उसे ये पसंद नहीं है डैडी। तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से कराई थी क्या? उसका चेहरा तो देखो कितनी उदास लग रही है, तुम डैडी को बोल सकती हो ना उसे ये पसंद नहीं? मैंने बोला लेकिन वो तो मेरी मिसाल दे रहे हैं। तो फिर जाने दो। बेटी अब एक दूसरे को अंगूठी पहना दो। सगाई की रस्म हो गई। ये क्या मंगल सिंह, हम स्लो हो गए या घड़ी स्लो हो गई? इन लोगों ने ही जल्दबाजी की। खैर कोई बात नहीं, सुनो साहब, सिर्फ एक अंगूठी भेजकर आपकी बेटी को बहू बना लिया। घबराओ मत, ये मेरे छोटे बेटे की तरह गुंडा नहीं है, तेरी बेटी को खुश रखेगा। हमें दहेज भी नहीं चाहिए। मैं गुंडे मवालियों का नाम सिर्फ चार्जशीट पे लिखा करता हूँ, निमंत्रण पत्रों पर नहीं। मेरे पास 1,000 करोड़ की जायदाद है और 1,000 मुकदमे भी तो हैं। ये सब मुझे किस लिए? मैं आप जैसों के मुंह भी नहीं लगना चाहता, आप जा सकते हैं। सगाई से पहले ही सच बोलने वाले थे तुम, बोलते तो क्या होता देखा ना, इसीलिए तुम्हारे पिताजी अंगूठी पहनाने के बाद आए। हाँ हाँ रघु हमारा ही बच्चा है, पिता जेल में है सुनेंगे तो बेटी नहीं देंगे जानकर ही छोटा सा एक झूठ बुलवाया कि माँ बाप मर चुके हैं। तुम्हारी बेटी की कुंडली अच्छी है बहना, इधर सगाई हुई उधर साहब को बेल मिल गई, जेल से सीधा यहीं आ रहे हैं। आधे घंटे से बाहर कार में वेट कर रहे थे अंगूठी पहनाने के बाद अंदर आने के लिए। तुमसे बदला लेने के लिए मैं ये शादी नहीं करवा रहा हूँ। तुम्हारी बेटी का क्या है, वो है ना कोई बॉयफ्रेंड? हाँ, उससे बदला लेने के लिए मैं ये शादी करवा रहा हूँ। कल सुबह 10:30 बजे का अच्छा मुहूर्त है। अब ये ना पूछिए किस चीज का मुहूर्त, इन दोनों की शादी का। आप समधन जी के साथ आ जाइए, तुम जाकर कार में बैठ जाओ, बेटी तुम भी। दामोदर सिंह मैं पुलिस ऑफिसर हूं, ऐसी धमकियां मेरे लिए नई नहीं है, जरूरत पड़ने पर मैं भी गुंडों की तरह बर्ताव कर सकता हूं। मेहरबानी करके ऐसी सिचुएशन पैदा मत कीजिए। Thank you.
अगर मैंने अपना बर्ताव शुरू किया, ये तो सिर्फ बिगनिंग है। तो एंडिंग इतनी खौफनाक होगी, खुद ही सोच लो। तुम चलो बेटी, चलो। सुनो भाई, लड़की का पिता बंद कराएंगे तो सबके सामने मंडप में होंगे, इज्जत भी होगी। वरना शादी में जब होम मिनिस्टर आएंगे तो आप गेट पर सिक्योरिटी देते रहेंगे। शादी तो हर हाल में होगी बहना, तुम ही समझाओ अपने शौहर को। मैं अपने आप को इस दुनिया के लिए समर्पित करता हूँ। वाह, कितना वंडरफुल ख्याल है, बहुत ही फैंटास्टिक, एकदम ओरिजिनल है। गुड मॉर्निंग अंकल। कल सगाई में दामोदर सिंह आया था, आया होगा, क्यों नहीं आएगा। तुम्हारा होने वाला दामाद उसका पहले से ही बेटा है, वो जबरदस्ती प्रिया को लेकर गया और कल सुबह शादी है। Am I right? प्रिया को उसने अपने घर पे रखा है। गुंडे बंदूक चाकू छुरी लेकर आगे पीछे घूम रहे हैं। गुंडे और चाकू और 40-50 कुत्ते भी हैं। कुत्ते भी हैं? हाँ। बाप रे, कुत्ते हैं तो मुझसे नहीं होगा। गुंडे मवालियों को मैनेज कर सकता हूँ लेकिन कुत्तों को नहीं, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। भागने के लिए उनके पास 4 हैं, हमारे पास 2 पैर। दौड़ते दौड़ते पांव को काट लिया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। एक तो पांव जाएगा, फिर वो गले को झपट लेगा, तो कुत्ते की मौत मानना पड़ेगा ना। कुत्ते की मौत का मतलब हम कुत्ते को नहीं, लेकिन कुत्ता जो हमको मारे उसे कुत्ते की मौत कहते हैं। किसी भी तरह मैं खुद को संभाल लूंगा। प्रिया की शादी करवा दीजिए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अंकल, अभी वहां बैठा था झट से यहाँ कैसे आ गया, यही सोच रहे ना आप? यही तो चमत्कार है, मान लीजिए तो सब खुश रहेंगे। चाय पीकर घर जाकर आराम से सो जाएगा और सुबह होते ही अपने मनपसंद दामाद की शादी में चले जाइएगा। उसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगा अंकल, मुझे शर्म आती है, खुद देख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। अरे मंगल सिंह, तुमने बताया नहीं क्या? बता के क्या फायदा, जरा दुल्हन को तो देखिए, ये शादी की दुल्हन की तरह नहीं बल्कि मार्केट में जा रही हो, ऐसे सजिए। हे, धोती लेकर आना। इन कपड़ों में ये कमबख्त बराती नहीं लग रहा है। ठाकुर साहब फोन। हेलो ठाकुर साहब, मैं जीत सिंह बोल रहा हूँ। छोटे साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैंने पूरा हॉस्पिटल ढूंढ लिया और सभी लोगों को फोन कर दिया। बंद करो, वो आ गया। प्रिया तुम आ जाओ, बाकी सब घर जाओ, चलो जल्दी। अरे वो भाग गया। सर, मुझे भी कुंफू सीखनी है सर। कुंफू सीखने आया तू भी? सर ठीक है, सीख लेना। मैं आज ही ज्वाइन करूंगा सर। ओ, आज ही ज्वाइन करेगा? जानते तू बहुत होशियार है। कुंफू सीखने से पहले थोड़ा वार्म अप करना चाहिए। जानते वार्म अप क्या होता है? नहीं सर। इस तरह से बॉडी को लूज करना चाहिए। बॉडी लूज होती तो अच्छा रहता है। फाइट करने के लिए ना बॉडी लूज हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, तो बिल्कुल मत घबराना, तू नया लड़का ना, इसलिए कुंफू सिखाने के लिए तुझे एक बैच को बुलाना पड़ा। सर इस बैच से फाइट करके मैं तुझे प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, तो ध्यान से सीखना। ओके ठीक है सर। ऐसे तू एक छोटे से ट्रेलर की तरह ले। ओके सर। दिस इज ऑल एप्लीकेशन कंसंट्रेशन, आई एम गोइंग टू शो। सुनो, तुम लोग वहां क्या देख रहे हो? लेट्स गो। Let's go.
इतने लोगों के साथ यहाँ कोई धरना करने आया है क्या? हाँ? हे, अब तक किसी की जान ना जाए ये सोचकर बहुत संभल कर मार रहा था मैं, लेकिन इतने लोगों को देखकर मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है। आओ सालो आओ, किसका क्या क्या कट जाएगा इसकी गारंटी अब मैं नहीं दे सकता। आओ सालो। क्या है वे उल्लू के पट्टे? जिसने भी अपनी माँ का दूध पिया है वो अपनी जान हथेली पर रखकर आगे आ सकता है तो आ जाए। दारू की बोतल के लिए और बिरयानी के पैकेट के लिए जो आए हैं वो भाग जाओ। फिर से बोल रहा हूँ, भाग जाओ। खाके बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता है, उंगली का इस्तेमाल भी होना चाहिए। कहीं क्या मंगल सिंह ठाकुर सर, आपकी शिकस्त मैं देख नहीं सकता सर। अंकल इसे कहते हैं डर। सामने खाना रखा हो फिर भी ना खाएं उसे कहते हैं उपवास। नींद लगने पर पलंग के होते हुए भी नहीं सोना पहरेदारी है। मन में नफरत और हाथ में तलवार, और कटने के लिए सामने सिर के होते हुए भी उसे ना काटने के जज्बे को हिम्मत कहते हैं। वो तुझमें है क्या? तुझमें है क्या? अंकल मैं तुझको एक टॉप सीक्रेट बात बताऊं, ये शादी रोकने वाला कौन है पता है? तू खुद रिवाइंड कर। शेर की तरह घूमने वाला, एक लाश की तरह विक्रम हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है। यस, मैं विक्रम हॉस्पिटल गया। नर्स को 4,000 रुपए दिए, वॉचमैन को 1,000 रुपए दिए, उन्होंने मुझे पूरा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह दिया, फिर भी मैं सिर्फ तेरे बेटे को ही किडनैप करके लाया। किडनैप तो कर लिया, अब छुपाऊं कहां पर?
Come on, Sanjay Sahu, you're a brilliant boy. Think, 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 think. तभी संजय साहू को एक brilliant idea आया। जानता है वो brilliant idea क्या था? Hey, उर्वशी बार कहाँ? उर्वशी बार? आप सीधा जाएंगे वहाँ एक सर्कल है। आप वहाँ किसी से पूछ लीजिए। पूछना है? हाँ, हाँ, पूछ लूँगा। Hey, चलो रे। हाँ। Thanks, brother. चार लोग आए थे, तीन जा रहे हैं, एक कहाँ गया? तूने अपनी जो कार डेकोरेशन के लिए दी थी, उसी के डिक्की में छिपाया। देखिए अंकल संजय साहू की ह्यूमैनिटी, इसका ऑक्सीजन ग्लूकोज बॉटल कितना संभाल कर रखा है, इसने कितनी सारी गलती की फिर भी। वैसे तुझको कुछ अक्कल है? मुझे पकड़ने के लिए 8 महीने बर्बाद किए हैं ना, उसके बदले इस पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो अब तक ये अब्दुल कलाम जैसा महान इंसान बन गया होता। संजय साहू तो इतना पर्सनली मत ले रहे अंकल। तूने हमारी जैसी पढ़ाई नहीं की, इंटरव्यू के लिए नहीं गया, नौकरी भी नहीं की, टैक्सेस भी नहीं भरे, फिर भी तू आराम की जिंदगी जी रहा था ना। अब मैं तेरे लिए क्या करूं, मर जाऊं क्या? फिर से बोल रहा हूं, बाप बेटे की तरह ईमानदारी से जीते हैं, तू पहले की तरह कार में घूमते हुए गुंडागर्दी करते फिर और मैं चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन अगर तूने मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश की तो यही अंजाम होगा। दरअसल आजकल के लौंडे बहुत डेंजरस हैं अंकल, उंगली की तो हाथ काटकर हाथ में थमा देते हैं। इतना बोलने पर भी अगर तू कन्विंस नहीं हुआ है तो कल सुबह एक फ्रेश बैच लेकर आना, लेकिन भागे हुए कुत्तों को मत लेकर आना। मारना हो, गाली देनी हो या काटना हो या फिर अपनी गलती कबूल करनी हो, वेट करता मिलेगा 24 आवर्स। ये संजय साहू, केयर ऑफ JNU कैंटीन, मैं संजय साहू। अरे ये क्या अंदर घुस गया अंकल? महोदय, इससे हमें क्या पता चलता है जानते हैं महोदय? मुझ जैसे बच्चे के मारने से ये तलवार रोड के नीचे दब गई है, मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि जनता के धन को रोड कॉन्ट्रैक्टर्स पूरी तरह खा रहे हैं। किसी भी तरह इसे रोकना होगा महोदय। उम्मीद करता हूँ आप इस पर सोच विचार करेंगे। आपसे आगे लेता हूँ। जय हो, जय हो। सर, सर, सर। आप क्या हुआ? उसे मारे बिना आपने छोड़ क्यों दिया? वेरी स्मार्ट क्वेश्चन माय बॉय। जंग में जीतने का मतलब होता है दुश्मन को मारना नहीं बल्कि दुश्मन को हराना। क्या कहा मैंने? हराना। हराना सर। हराना ही जंग का लक्ष्य होता है। ओके सर। मारना नहीं। भाई मेरे पिताजी। मैंने मारा तो नहीं, लेकिन अगर वो मर गया तो मेरी कोई गलती नहीं। मैं अभी जाके देखता हूँ। जा जा। सब लोग जरा आंखें बंद करना प्लीज। ये क्या इतनी जल्दी मान गए ये लोग? हाँ उसके बाद ठाकुर दामोदर सिंह ने किसी से भी बात नहीं की। हो सकता है उसके आदमियों के सामने हारने की वजह से या मंगल सिंह के मरने के गम की वजह से उसने बोलना ही बंद कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि उसके बेटे के डिस्चार्ज के दिन ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हर रोज शाम को उसे उसी पार्क में लाकर बिठा देते थे। वो सड़क के बीच घुसी हुई तलवार के हैंडल को देखते रहता था। भारत देश में कई मामलों में ध्यान न देने वाली जनता उस तलवार पर भी बिना ध्यान दिए वहां से गुजर जाती थी। उसकी कहानी सिर्फ दो लोग जानते थे, एक कुंग-फू सीखने वाला वो लड़का और दूसरा ठाकुर दामोदर सिंह। उससे तो कोई कुछ पूछता नहीं और ये किसी से कुछ बोलता नहीं। उसके 1-2 महीने बाद एक दिन क्या कहा? प्रिया की बात सुनकर तूने पीना छोड़ दिया? एक काम कर, प्रिया को छोड़ दे, फिर रोज आराम से पी सकेंगे। चुप कर, मोबाइल बज रहा है, देख तेरी बीवी होगी। शादी के बाद ऐसा ही होता है, मुझे देख, मैं आजाद हूँ। अरे ये तलवार रोड के बीच। ठाकुर साहब क्या हुआ? क्या हुआ? ए, जल्दी गाड़ी लेके आओ। अरे जल्दी लेके आओ गाड़ी। एक बहुत बड़े खतरनाक मुजरिम को संजय साहू जैसे मामूली लड़के ने खून का एक कतरा भी बहाए बिना मार दिया। उसकी वजह बनने वाली वो तलवार उस सड़क के नीचे ही दब गई। कुछ दिन बाद उस पर एक और नई सड़क बनी। इस बार कॉन्ट्रेक्टर इतना बढ़िया था कि वो तलवार फिर कभी बाहर नहीं आई।